Okay. So the first thing is that whenever we choose any line, the first thing arise into our mind is how is the future of that field, right? When we were in the 10th or 12th, the thoughts on which we have chosen the line, whether it is science, whether it is commerce, or in the science any particular field, is how is the future after 5 years of that particular field. So the first thing you should be clear that why digital marketing future is bright, right? If you have the clarity for this thing, the probability is very high that your focus in that things will grow and will grow, right? So number one thing is that digital marketing future is bright is because of the number of users who are using internet are growing day by day, right? As per the statistics, by 2020, at present around 18% of the people in India have internet access, around 18%, and due to Jio and all the other service providers tariff cut, you can expect that by 2020 it will be around 25% to 30%. So you can say that the number of users who are spending time and who have the internet access are growing day by day, right? Wo bahut hi fast abhi badh rahe hain. Aap hi socho ki aap subah mein utke sabse pehle kya karte ho? Either WhatsApp or Facebook, right? Abhi aisa trend aa gaya hai. US और UK में ऐसा है कि लोग टीवी से ज्यादा यूट्यूब पर टाइम स्पेंड करते हैं वीडियो को देखने के लिए, जो अभी धीरे धीरे यहाँ पर भी आने लगा है कि भाई जो भी सीरियल छूट गई है वो नॉर्मली लोग अपने टाइम पर यूट्यूब पर देख लेते हैं. सो वॉट दिस शोज दैट पीपल आर मूविंग फ्रॉम दी ऑल अदर मीडिया, वेदर इट इज न्यूज पेपर, वेदर इट इज एनी अदर फॉर्म ऑफ मार्केटिंग, टू द डिजिटल मीडिया विद द हेल्प ऑफ फेसबुक, व्हाट्सएप, Google search, YouTube, and so many other platform, right? So this is the most important, या आप बोल सकते हो कि this is the biggest reason कि digital marketing का future bright है, क्योंकि all जो भी सारे medias है वो धीरे धीरे लोग उस पर time कम spend करते हैं. आप में से कितने लोग हर रोज newspaper पढ़ते हैं? Right? Very few or no. राइट, मैं भी नहीं पढ़ता. मैं गूगल न्यूज पर या अगले उसके पहले दिन हमको पता लग जाता है कि न्यूज वो न्यूज़पेपर में क्या आने वाला है, राइट? तो वो न्यूज तो हमारे लिए ऑलरेडी हमने पढ़ लिए होते हैं, तो वी आर नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर. तो न्यूज़पेपर में जितनी भी एड दी गई है और अगर आप उसमें अपना मार्केटिंग करना चाहते हो तो द ऑडियंस आर डिटेरियोरेटिंग एवरीडे, वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं, राइट? और आप लोग यहाँ पर आए हो तो आप लोगों को भी कुछ दिमाग में होगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों करना चाहिए. तो आप लोग बताओ मुझे कि क्यों करना चाहिए, व्हाई डिजिटल मार्केटिंग, यू शुड लर्न डिजिटल मार्केटिंग. वेरी गुड, वेरी गुड. इफेक्टिव इज वेरी सब्जेक्टिव वर्ड, सो व्हाट यू एग्जैक्टली मीन बाय इफेक्टिव? हाउ? वेरी गुड, वेरी गुड, ट्रू. तो ये दोनों ने ये बताया. सबसे पहले इन्होंने ये बताया कि भाई वो कॉस्ट इफेक्टिव है. सो हाउ इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, लेट मी गिव यू वन सिंपल एग्जांपल. मैंने टेलीकॉलर को हायर करने के लिए 2 महीने पहले दिव्य भास्कर में ऐड दी थी. वो जो ये अच्छे कर इन्हें क्लासिफाइड आती है उसमें से, हाँ उसमें मैंने दी थी. तो दे हैव चार्ज मी अराउंड 650 रुपीज, राइट? एंड अराउंड 5 या 6 लोगों का कॉल आया था और 2 या 3 बंदे यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आए थे. वही चीज मैंने फेसबुक पर की. वो चीज में तो मुझे पैसे देने थे क्योंकि टेलीकॉलर को अगर मैं हायर करता तो आई हैव टू पे. मैंने डेमो लेक्चर के लिए फेसबुक पर 2 महीने पहले 2000 बजट में मेरी एड रन की थी फेसबुक पर, राइट? और सरप्राइजिंगली मुझे
200 लीड मिली थी. आई हैव रिसीव 200 लीड्स विद द बजट ऑफ 2000. एक लीड मुझे कितने में पड़ी? ओनली 10 रुपीज, ओनली 10 रुपीज. और वो डेटा मेरे पास लाइफ टाइम रहता है, और उसमें से कुछ लोगों ने मेरे पेज को लाइक भी किया है, तो वो तो मैं रिकरिंग, जैसे उन्होंने लॉन्ग लास्टिंग बोला, तो वो तो हर एक, जब भी मैं अपने फेसबुक पेज पर कोई भी अपडेट करता हूँ तो वो उसे पता लग जाएगा कि व्हाट आई एम डूइंग, तो वो मेरे साथ कनेक्शन में रहेगा. तो जब भी उसको डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड कोई भी क्वेरी रेज होगी दिमाग में, तो सबसे पहले किसका नाम आएगा? आइदर ट्रेनिंग इन एसईओ या मेरा, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में आप बहुत सारे ऑडियंस को रीच कर सकते हो, राइट? और जैसे उन्होंने लॉन्ग लास्टिंग बोला कि अगर आपने कोई अच्छा आर्टिकल लिखा है, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर क्यों ब्राइट है, राइट, वो मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है, वो मेरा आर्टिकल एवरी वीक मुझे 100 विजिटर्स देता है. नहीं, नो डाउट दे आर नॉट ऑल फ्रॉम अहमदाबाद, बट फ्रॉम अराउंड द इंडिया और अराउंड द वर्ल्ड, लेकिन मुझे एवरी टाइम वो विजिटर्स देता है. दिव्य भास्कर में एक बार ऐड दी आपने, राइट, वो दूसरे दिन तो एक्सपायर्ड हो जाती है, वही सेकंड हाफ में, तो वही दिन सेकंड हाफ में एक्सपायर हो जाती है, लेकिन दूसरे दिन तो कंफर्म एक्सपायर हो जाती है. सो दिस इज द रीजन, दिस आर द टू मोर रीजन कि डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर ब्राइट है. और कोई रीजन डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर ब्राइट है जिसको आप, जिससे आप इंस्पायर होकर यहाँ पर आए हो? वेरी सिंपल, अपने जो ऑडियंस है उसको टारगेट करते हैं, उसको टारगेट करते हैं. वेरी गुड, यू कैन फिल्टर आउट योर ऑडियंस, राइट. मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ. आसो पालव है, फॉर एग्जांपल, आसो पालव ने आश्रम रोड से लेकर एलिस पाल्डी से लेकर उस्मानपुरा तक सभी क्रॉस रोड पर अपना होल्डिंग्स रखा हुआ है, राइट. यू कैन फाइंड आसो पालव होल्डिंग ऑन ऑल द क्रॉस रोड्स. अगर आसो पालव को ये मेजर करना है, उनका मिनिमम क्या होगा पता है आपको? मंथली रेंट क्या होगा? 1 लाख रुपीज से एक का नहीं होगा, क्योंकि डिपेंड्स फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन, इट वेरीज फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन. उसका मिनिमम 1 लाख रुपए रहता है, मिनिमम. आसो पालव वालों को अगर ये मेजर करना है कि वेदर दिस साइन बोर्ड और दिस बोर्ड इज गिविंग देम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और नॉट, विल दे बी एबल टू डू दैट? नेवर. वो लोग हर एक कस्टमर को है तो ऐसा पूछ नहीं सकते कि भी आप कौन से होल्डिंग को देखकर यहाँ पर आए हो, दे कैन नॉट आस्क दैट, राइट. तो वो लाख रुपए का उनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, दे कैन नॉट मेजर. बट If they do the same marketing on the Facebook, right, yeah, on Google, they can measure that how many people have liked, how many people have checked in, how many people have shared, how many people have commented. So for all this, this all are the engagement metrics. So ये सारे engagement metrics से ये पता कर सकते हैं कि इन्होंने suppose 3 model से अपना ad बनाया है, तो वो 3 model में से कौन सी model पर सबसे ज़्यादा interaction रहता है, कौन सी टाइप की जो उन्होंने ड्रेसेस को प्रमोट किया है उसमें से कौन से टाइप की ड्रेसेस को सबसे ज्यादा एंगेजमेंट मिलता है, ये सारी चीज, यस. तो ये सारी चीज देखें, मेजर कितने लोगों ने चेक इन किया है वो भी पता लग जाएगा. तो दे विल बी एबल टू नो आफ्टर 1 month और आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कि कौन सी एड पर अपना बजट बढ़ाना चाहिए, कौन सी एड को पॉज कर देना चाहिए या कौन सी एड को स्टॉप कर देना चाहिए. बट इन द केस ऑफ होल्डिंग दे विल नॉट बी एबल टू नो कि ये मतलब ये जो यहाँ का क्रॉस रोड है उसको बंद करना चाहिए, उसको नया ओपन करना चाहिए, दे विल नॉट बी एबल टू. सो दैट इज द अनदर रीजन कि डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर ब्राइट है कि यू कैन मेजर एवरीथिंग. आप एवरीथिंग यू कैन मेजर. हम डिटेल में गूगल एनालिटिक्स जब पहुंचेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि गूगल एनालिटिक्स से भी आप कितना कुछ मेजर कर सकते हो, राइट. एनीवन, क्यों डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर ब्राइट है? इसके अलावा जिससे आप इंस्पायर होकर यहां पर आए हो, सिंपल, वेरी सिंपल, कि सब लोगों ने बोला कि डिजिटल मार्केटिंग अच्छा है इसलिए आ गए, वैसा है, अपना खुद का कोई ठोस रीजन नहीं है. ओके, ठीक है, तो मैं बता देता हूं कि और एक रीजन ये है कि अगर आपको कोई भी नई शॉप ओपन करनी है, राइट, सिंपल फिजिकल शॉप समझ लो कि आपको मोबाइल शॉप ओपन करनी है, अगर आपको अच्छे लोकेशन पर, अगर अच्छे लोकेशन पर नहीं ओपन होगी तो वो चलेगी नहीं, यू विल नॉट हैव द फुटप्रिंट्स, राइट. तो अगर उसको अच्छे उसको चलाना है तो अच्छे लोकेशन पर लेनी पड़ेगी. अच्छे लोकेशन माने जहां पर चहल पहल रहती हो और ऑडियंस आपका अच्छा हो. तो
कितना रेंट होता है नॉर्मली अगर आपको रोड साइड पर अपनी एक दुकान लेनी है, राइट, यू कैन से अराउंड 500 स्क्वायर फीट की, तो कितनी रेंट रहती है? मैं मणिनगर से बिलोंग करता हूँ तो मुझे पता है मणिनगर में अप्रोक्सीमेटली 50,000 रुपीज रेंट रहता है मिनिमम, राइट, मणिनगर में उतना रेंट रहता है, ये उसकी फिक्स कॉस्ट है। उसने एक रुपए का भी प्रॉफिट किया कि नहीं किया, उसको दे हैव टू, ही हैज टू पे 50,000 रुपीज एज सून एज ही ओपन द शटर, राइट। यस, नंबर टू, उसके और सारे ओवरहेड्स रहेंगे, उन्होंने जो बंदे को हायर किया होगा उसको सैलरी देनी पड़ेगी, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, एंड सो मेनी अदर मिसेलिनियस एक्सपेंडिचर एज वेल। तो ये सबको मिला के अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपीज फिक्स कॉस्ट हो जाती है आपकी। अगर आप कोई भी नई दुकान या छोटी मोटी शॉप ओपन करते हो तो उसकी मिनिमम फिक्स एक्सपेंडिचर इट इज अराउंड 1 लाख रुपीज। तो ये एक और एक स्टेटिस्टिक्स है कि नॉर्मली जो भी नई शॉप्स ओपन होती है, नई दुकान, उसमें से 80% ऑफ द शॉप्स 6 महीने में बंद हो जाती है। अगर आपने भी अगर शार्पली ऑब्जर्व किया हो तो आपके यहाँ पर कोई नया फूड वाला ओपन हुआ हो या और कोई ग्रोसरी वाला ओपन हुआ हो या फिर कपड़े वाला ओपन हुआ हो, क्लोथ्स वाला, उसमें से 80% ऑफ द शॉप्स गेट क्लोज बाय 6 मंथ्स। क्यों? वो कब तक ये लॉस बेयर करता रहेगा? 2 महीने बेयर करेगा, 3 महीने बेयर करेगा, लेकिन 6 महीने के बाद उसको पता लग जाएगा कि अभी मैं इसको बेयर नहीं कर सकता। लेकिन वही चीज, सपोज आपके पास एक, जहां से आपको सस्ती इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम मिल रही है उसकी चैनल आपने ढूंढ ली, सपोज ये मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, और आपने उसको या अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर बेचने के लिए रख दिया, तो सबसे पहले आपकी रीच कितनी होगी? पूरा इंडिया हो जाएगी। वो मोबाइल के केस में आपकी रीच कितनी होती थी? मैक्सिमम 2 किलोमीटर के रेडियस में, मैक्सिमम, कोई ईसनपुर से भी लेने के लिए नहीं आता मणिनगर में, मैक्सिमम 1 किलोमीटर के रेडियस में आपकी रीच होती है नॉर्मली। वो केस में पूरा इंडिया हो गई, ये केस में फिर मणिनगर। नंबर टू, यू डोंट हैव दी फिक्स एक्सपेंडिचर। आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट को तभी कमीशन देना है जब आपकी प्रोडक्ट सेल होती है। द ओनली कॉस्ट यू हैव टू बेयर इज योर इन्वेंटरी। आपको सिर्फ इन्वेंटरी स्टोर करने की ही कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। तो ये सबसे बड़ा उसका बेनिफिट है कि आप कम से कम अमाउंट से ज्यादा रीच कर सकते हो। आपको पता है अमेजोन पर एक दिन में कितने विजिटर्स आते हैं? 60 लाख विजिटर्स उसके पर डे के हैं। ऑन एवरी डे दे रिसीव 60 लाख विजिटर्स। तो आप अज्यूम करो कि वो 60 लाख विजिटर्स में से अगर आपके पेज के ऊपर अगर 1000 भी विजिटर्स आ गए तो कितनी आप वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बेच सकते हो, वेदर इट इज पेन ड्राइव। हाँ, तो आ जाता है, परफेक्ट। तो आप अज्यूम करो कि अगर आपकी प्रोडक्ट आपने अमेजोन पर या फ्लिपकार्ट पर रख दी है तो एक ही दिन में आप कितनी अच्छी इंप्रेशन या विजिट्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। सो दिस इज दी अनदर रीजन कि डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर ब्राइट है। और कोई रीजन? 24/7, राइट। अगर रात को 12 बजे आपको लगा कि भाई अभी तो स्वैगी भी आ गया है ना, कुछ नवा, स्विगी भी, उसकी भी बहुत ऐड आती है, राइट। तो अगर आपको इच्छा हुई कि भाई अभी कुछ खाना है, राइट, तो आप यू कैन ऑर्डर दी ऑनलाइन फ्रॉम द स्विगी, राइट। लेकिन यू कैन नॉट डू द सेम इन योर लोकल रेस्टोरेंट, क्योंकि वो 11 बजे पुलिस बंद करवा देती है, राइट। स्विगी को कैसे परमिशन दी वो पता नहीं है, लेकिन वो बंद करवा देती है, राइट। सो ये है कि ये हमने देखा फ्रॉम द बायर पॉइंट ऑफ व्यू। अभी तक जो हमने देखा था वो बायर पॉइंट ऑफ व्यू के देखा था, अभी हम सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था, अभी हम बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं एज अ रिटेलर कि भाई अगर हम, इफ वी आर द ऑडियंस, तो हम क्यों ऑनलाइन पसंद करते हैं, ऑनलाइन चीज खरीदना क्यों पसंद करते हैं। तो वो सबसे पहले 24/7 अवेलेबल। अभी आज मुझे इच्छा हुई कि भाई एसी नखवाना है, अभी गर्मी चालू हो गई है, तो आई कैन इजीली क्रॉस चेक फ्रॉम द फ्लिपकार्ट एंड ऑल अदर थिंग्स, ऑल अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कि कौन सा, किसका रिव्यूज अच्छा है, किसकी प्राइस सबसे कम है, और फिर वो मैं लोकल स्टोर 2 में जाकर क्रॉस चेक कर लूंगा कि वो है कि नहीं, और फिर ऑनलाइन ऑर्डर करवा दूंगा, राइट। सो यू कैन रीच टू देयर बाय 24/7। एनी अदर रीजन की?
वेरी गुड, मोर ऑप्शंस। आप सिंपल सोचो कि अगर मुझे 10 टाइप के 10 ब्रांड के एसी देखने हैं और मैं फिजिकल स्टोर में चला जाऊं तो मेरा कितना टाइम होगा, मुझे कितना टाइम लगेगा वो देखने में? अप्रोक्सीमेटली 2 या 3 घंटे लगेंगे। नेक्स्ट में गया, फिर सेल्स इंडिया में गया, फिर और कोई स्टोर में गया, तो इट विल टेक्स मिनिमम थ्री आवर्स राइट, क्योंकि वहां पर बार्गेनिंग भी करवाना है फिर, राइट, और सब कुछ करना है, सो इट विल टेक्स मिनिमम 3 आवर्स। वही चीज अगर आपको मोबाइल से करनी है तो कितना टाइम लगेगा? नॉट मोर देन 10 मिनट्स। अलग अलग ब्राउजर में, अलग अलग टैब में आपने ओपन कर दी 4 या 5 वेबसाइट, और जिसकी भी प्राइस या रिव्यूज अच्छे थे या आपको जो भी लेना है वो आपने फिल्टर्ड आउट कर दिया, आप सीधा कर सकते हो। सो दिस इज द अनदर रीजन कि यू कैन कंपेयर इट वेरी फास्ट कंपेयर टू द फिजिकल स्टोर। यस, एनी अदर? क्यों डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर ब्राइट है फ्रॉम द यूजर प्रोस्पेक्टिव? किस तरीके से? यस, तो ये आप बोल सकते हो कि चीट होने की प्रोबेबिलिटी कम है, क्योंकि जो भी दिया है वो ऑन पेपर दिया है या ऑन पेज दिया है, और गलती से भी उन्होंने आपको जो लिखा है वो नहीं दिया है, तो यू हैव द पावर ऑफ सोशल मीडिया, राइट। अगर आप ट्विटर पर @flipkartcustomercare करके लिख दोगे तो वो दे विल बी वेरी अलर्ट और दे विल गिव यू दी सपोर्ट विद इन एन आवर और सो, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको देखते हैं, सेव करते हैं, राइट, दोनों हेल्प करता है, राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक और है कि भाई आपको चीट होने की प्रोबेबिलिटी कम है, राइट। वो बोल सकता है दुकान वाला कि भाई ये पैनासोनिक का मोबाइल अच्छा है, लेकिन अगर आपने देख लिया कि भाई 100 लोगों ने इसके 3.5 स्टार रेटिंग एवरेज दिए है तो दिस फोन इज नॉट वर्थ, लेकिन रेडमी का अगर 4.5 से ज्यादा है ऑन एन एवरेज आउट ऑफ 10,000 यूजर्स, द प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई दैट दिस फोन इज वर्किंग परफेक्टली फाइन, क्योंकि अगर 10,000 लोग ऐसा बोल रहे हैं तो वो अच्छा ही होगा, राइट। इट इज एब्सोल्युटली लाइक दैट। ओके, और कोई रीजन? रिटर्न पॉलिसी, यस यस। सो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज देयर इन ऑल द केसेस, वो करना ही पड़ता है उनको, वरना ब्रांड, इट इज ऑल अबाउट ब्रांड। अगर उनकी ब्रांड इमेज खराब हो गई तो फिर वो नहीं चलता है, राइट। स्नैपडील के बारे में शुरू में आया था कि वो उन्होंने मोबाइल के बदले ईट भेज दी थी, ऐसा कुछ आया था, राइट। तो इट इज ऑल अबाउट ब्रांड इमेज, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, एनी अदर? और एक रीजन ये है कि डिजिटल मार्केटिंग अभी कोई भी यूनिवर्सिटी में चल नहीं रहा है, राइट। वेदर इज गुजरात यूनिवर्सिटी, वेदर इज सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, वेदर इज सरदार यूनिवर्सिटी, तो अभी कोई भी यूनिवर्सिटी में, तो आप ये बोल सकते हो कि डिमांड है लेकिन सप्लाई नहीं है। यस, अपकमिंग में है। हमारे यहाँ पर है ऐसा, हमारे यूनिवर्सिटीज में एक ट्रेंड है कि जो भी चीज आउटडेटेड हो वो सिलेबस में इंट्रोड्यूस करो, राइट। कि अभी ये आउटडेटेड हो गया है तो इसको सिलेबस में इंट्रोड्यूस कर दो, अभी ये पढ़ा होगा अभी, राइट। तो ऐसा है, तो जब ये डिजिटल मार्केटिंग थोड़ा आउटडेटेड हो जाएगा तब वो सिलेबस में इंट्रोड्यूस कर दो, राइट। तो वो भी आपके लिए एक अच्छी चीज है कि अगर कोई एक बार डिमांड है और दूसरी बार सप्लाई नहीं है तो द प्रोबेबिलिटी गेट इंक्रीज कि आपको जॉब उसमें तुरंत मिल जाएगी, राइट। क्योंकि कंप्यूटर इंजीनियर अप्रोक्सीमेटली 10,000 कंप्यूटर इंजीनियर्स बाहर निकलते हो गए एवरी ईयर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी ओनली या ऑल 3 यूनिवर्सिटीज। लेकिन वही चीज़ आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में देखो तो कोई भी नहीं अभी तो आ रहा है, राइट। किसी को स्पेशल इंटरेस्ट है और उसने खुद किया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, राइट। उसके बाद है कि आप इसको सीखकर दुनिया के जो भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है उसमें जा सकते हो, वेदर इट इज USA, वेदर इट इज न्यूजीलैंड, वेदर इट इज कैनेडा, वेदर इट इज ऑस्ट्रेलिया और UK, ये सभी में भी यहाँ पर जितनी डिमांड है वो सभी जगह पर उतनी डिमांड है, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि US में कैसा माहौल है, इंडिया में तो है ही है, मैं दिखाता हूँ आपको, लेकिन ये payscale.com है, ये बेसिकली ये दिखाता है कि भाई आप जो सेगमेंट में हो वो सेगमेंट में आपने जो कंट्रीज को चूज किया है वहां पर एवरेज सैलरी कितनी मिलती है, कितनी एवरेज सैलरी? $63,000, यानी मोर देन $5,000 पर मंथ, राइट।
सो इट इज एक्सीलेंट, इट इज एक्सीलेंट. और ये मैं नहीं बोलता, ये पे स्केल बता रहा है. दूसरा आप देख लो ऑस्ट्रेलिया, यहां पर कितनी है 78, सो मोर देन 6000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर मंथ, राइट. तो ये आप देख लो कि वहां के इंजीनियर को जितनी मिलती है उससे ये ज्यादा है, कंफर्म उससे ज्यादा है, राइट. सो दिस इज द डिमांड नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. ये कनाडा और यूके में भी आप सेम चीज से देख सकते हो. उसके बाद है कि और एक रीजन है कि डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर ब्राइट है, कि आप डिजिटल मार्केटिंग को करने के लिए आपको इनफैक्ट दो ही चीज चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्शन एंड लैपटॉप. अगर ये दो चीज आपके पास है तो आप दुनिया के किसी भी कोने में जाकर ये काम कर सकते हो. इसके लिए कोई ऑफिस स्पेस की जरूरत नहीं है और किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, आप घर पर बैठकर भी इसको काम कर सकते हो. जैसे कि ये मैंने freelancer.com है, ये एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट है, राइट, जहां से आपको कुछ चीज में एक्सपर्टीज है आपकी, राइट. तो आप यहां से बिड डाल सकते हो कि भाई मुझे ये काम करना है तो आई विल डू दिस वर्क इन दिस मच अमाउंट, राइट. कितनी अभी SEO के लिए कितनी बीड अभी है, कितनी जॉब्स रेडी है, अराउंड 6000 जॉब्स रेडी है. यानी अगर आपको आज के दिन में SEO पता है तो ये 6000 जॉब्स पर, फ्रीलांसिंग जॉब्स पर आप अप्लाई कर सकते हो. और इसमें कैसा होता है कि ये इसकी जो ड्यूरेशन होती है ना वो एक या दो दिन की होती है, यानी आपको एक दिन में खत्म करके देना है, छोटा छोटा टास्क रहता है. तो आप एक दिन में भी ये सारा कुछ करके, जैसे उन्होंने बताया कि भाई 100 कीवर्ड्स पर मुझे टॉप में आना है, ईबे का SEO करना है, ये SEO होटल वेबसाइट का करना है, सो मैनी अदर थिंग्स. तो ये आप करके यहां से भी पैसे कमा सकते हो, राइट. ये तो मैंने SEO के लिए बताया, सेम चीज आप जो प्रोफेशन में हो उसके लिए भी यहां से ढूंढ सकते हो. दूसरा है अपवर्क, राइट. तो ये भी एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट है, राइट, सेम, लेकिन ये फ्रीलांसर से ये ज्यादा पॉपुलर है. अपवर्क इज मोर पॉपुलर इन दिस सेगमेंट कंपेयर टू द फ्रीलांसर. इस पर कितने जॉब्स रेडी है, मोर देन 7000, राइट. तो आप सोच लो कि आज के दिन में अगर आपको SEO पता है तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस मच, दिस मैनी अमाउंट ऑफ जॉब्स. उसके बाद है फाइवर है, राइट, जिस पर आप कुछ भी लो $5 में. ऐसा उनका पहले बिजनेस मॉडल था कि भाई एनीथिंग विल स्टार्ट फ्रॉम $5. अभी ये चेंज हो गया है, लेकिन तो इस पर भी आप प्रोफाइल बनाकर खुद काम कर सकते हो, राइट. लिखा है आई विल डू 300 क्वालिटी गूगल लोकल SEO साइटेशन, राइट. तो ये आप भी कर सकते हो, यहाँ पर आपकी प्रोफाइल बनाकर आपको जो भी चीज में एक्सपर्टीज है वो चीज की आप प्रोफाइल बनाकर यहाँ से आप काम ले सकते हो, राइट. उसके बाद है कि आप अगर आपको सिर्फ जॉब करनी है, राइट, तो जो भी टॉप 50 ई कॉमर्स कंपनियां है इंडिया में उसमें भी आप अप्लाई करके जॉब कर सकते हो, जैसे कि फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, ईबे है, एटसेट्रा एटसेट्रा. बेसिकली ये फील्ड में अगर आपको आगे बढ़ना है तो इन नटशेल तीन चीज चाहिए आपने. सबसे पहली आपकी विलिंगनेस, सीखने की इच्छा, राइट. वो कोई भी चीज अगर सीखनी हो तो चाहिए, लेकिन इसमें भी ऐसा है कि ये चाहिए. नंबर टू, योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, राइट, क्योंकि जो भी कम्युनिकेट करना है वो आपको इंग्लिश में करना है. एटलीस्ट आपको रीडिंग एंड राइटिंग तो पता होना ही चाहिए, वरना आप नहीं कर पाओगे, राइट. एंड नंबर थ्री इज योर एनालिटिकल स्किल, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में बताया कि इसमें आप सब कुछ मेजर कर सकते हो, राइट. डिजिटल मार्केटिंग में आप सब कुछ मेजर कर सकते हो, तो वो मेजर में बहुत सारे डेटा जनरेट होंगे. सो वो डेटा को रीड करके आपको ये नतीजे पर आना है कि कौन सी चीज वर्क कर रही है, कौन सी चीज वर्क नहीं कर रही है, और जो चीज वर्क कर रही है उसको आपको प्रमोट करना है और जो वर्क नहीं कर रही है उसको पॉज कर देना, राइट. जैसे कि आप मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हो और आपने सपोज आज व्हाइट शर्ट पहना है और आपने एक दिन में सपोज कोई पर्टिकुलर 10 प्रोडक्ट बेची, और कल आपने व्हाइट की जगह पर ब्लैक शर्ट पहना और वो 10 की जगह 8
वो प्रोडक्ट बेची, और वही सिनेरियो जब आपने तीन बार ये रिपीट किया और हुआ, तो इसका नतीजा क्या हो, इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा कि व्हाइट शर्ट इज वर्किंग बेटर इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म इन द फील्ड यू आर वर्किंग कंपेयर्ड टू द ब्लैक शर्ट. सो दिस इज कॉल्ड द डेटा एनालिसिस, राइट. तो ये डेटा एनालिसिस है, तो ये डेटा एनालिसिस आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, राइट. ऑफकोर्स हम लोग सिखाएंगे ये सभी चीज, लेकिन ये तीन चीज में अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी तो इसमें आपका बहुत ही अच्छा ग्रोथ होगा, बहुत ही मानी बहुत ही अच्छा होगा, राइट. अगर आप इंडिया की बात कर लो, ये तो हमने सारा कुछ देख लिया यूएसए का. इंडिया में naukri.com बिगेस्ट जॉब सर्च इंजिन, ये बताता है कितनी जॉब वैकेंसी है अभी एसईओ में, सॉरी डिजिटल मार्केटिंग में, 16,000 प्लस जॉब वैकेंसी है इंडिया में, राइट. यानी अगर आपको पता है डिजिटल मार्केटिंग तो, और आपके लिए लोकेशन कंस्ट्रेंट नहीं है, तो आप 16,000 प्लस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो. उसके बाद है, सपोज आपकी इच्छा है कि भाई मुझे अहमदाबाद नहीं छोड़ना है, तो भी आप कर सकते हो. अहमदाबाद की सिर्फ बात कर ले हम लोग, अहमदाबाद में कितनी जॉब वैकेंसी है, 403. SEO इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, तो आप SEO भी ढूंढ सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग से भी ढूंढ सकते हो. तो आज के दिन में इंडीड पर, ये लोकल सर्च इंजिन है, अगेन जॉब सर्च इंजिन है, इस पर कितनी वैकेंसीज है, 403. तो आप जॉब के प्रोस्पेक्टिव से देखो तो ये कन्फर्म आपको जॉब देती है, अगर आपको अच्छी तरीके से ये डिजिटल मार्केटिंग पता है तो, राइट. क्लियर. तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि किस तरीके से आप शुरू में ही, पहले ही मंथ 15,000 या उससे ज्यादा अर्न कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ जॉब या ऑल दिस फ्रीलांसिंग एक्टिविटीज. उसके बाद है कि आप आपका खुद का बिजनेस कैसे ग्रो कर सकते हो, राइट. मैनी ऑफ यू आर डूइंग बिजनेस एज वेल, राइट. तो आपका बिजनेस कैसे ग्रो सकते हो, तो एक सिंपल तरीका है, मैं आपको दिखाता हूं कि गूगल माय बिजनेस है, ये गूगल लोकल बिजनेस भी उसको लोग बोलते हैं. जब भी आप कोई भी चीज लोकली सर्च करते हो तो सबसे पहले आपको मैप दिखता है, मैप वाला रिजल्ट दिखता है, और उसके बाद जो दिखता है वो ऑर्गेनिक रिजल्ट दिखता है, रेगुलर रिजल्ट दिखता है. तो ये जो मैप वाला है, ये मैप वाला आप गूगल पर फ्री में लिस्टिंग कर सकते हो, यू कैन डू योर लिस्टिंग फॉर फ्री इन गूगल लोकल. और अगर आपको पता है कि उसको कैसे टॉप में लाना है, तो आप फ्री में बहुत सारे विजिटर्स को भी ले सकते हो, इकट्ठे कर सकते हो, जैसे आप लोग यहाँ पर आए हो उस तरीके से, राइट. अभी मेरे यहाँ पर एक एसी सर्विस रिपेयर करने के लिए आने वाला है बंदा, सर्विस करने के लिए, वो मणिनगर से ही बिलोंग करता है. उसने मेरे घर पर अच्छी सर्विस की थी, तो मैंने उसको क्या बोलते हैं उसको, टिप के तौर पर ये गूगल लोकल बिजनेस करके दिया. और आज के दिन में अगर आप यहाँ पर ढूंढते हो कि एसी सर्विस रिपेयर इन मणिनगर, तो आपको उसका नाम गोपी है, वो यहां पर आपको मिलेगा, गोपी एंटरप्राइज एयर कंडीशनिंग सर्विस रिपेयर, राइट. पहले वो जस्ट डायल पर महीने के 4,000 रुपीज जस्ट डायल को देता था प्रीमियम लिस्टिंग के लिए, अभी यहां से उसको दिन की 2 लीड आ रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट. तो यही चीज आपके बिजनेस के लिए भी कर सकते हो, द सेम थिंग यू कैन डू फॉर योर बिजनेस एज वेल. आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, अगर वो लोकल बेस्ड है, तो आप ये चीज आपके लिए कर सकते हो, राइट. यस, गुड मॉर्निंग, बोलो. अरे बेसने तो अंदर बेसने, राइट. तो यही चीज आप कर सकते हो लोकली आपके लिए, राइट. और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन वो हम आपको सिखाएंगे कि टॉप में कैसे आना है, राइट. क्योंकि ये अकेले नहीं है जो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, राइट. दूसरे पेज पर भी है ऐसे. तो आपको कैसे टॉप में आना है वो हम आपको सिखाएंगे. उसके बाद है कि आप, अगर आपका B2B का टारगेटेड ऑडियंस है, यानी यू आर सेलिंग टू द बिजनेस, LinkedIn इज द राइट प्लेटफॉर्म, राइट. क्योंकि LinkedIn कौन सा नेटवर्क, कौन सा है, प्रोफेशनल नेटवर्क, राइट. उसमें क्या खाया, क्या पिया, कहाँ पर घूमने गए, वो सब कुछ सर्कुलेट नहीं कर सकते आप,
राइट, आपके प्रोफेशनल अचीवमेंट ही वहां पर आप रख सकते हो। और अगर आपका B2C है, टारगेटेड ऑडियंस यानी बिजनेस टू कंज्यूमर है, देन फेसबुक इज द राइट प्लेटफॉर्म। तो आप आपके बिजनेस के लिए फेसबुक पर एक पेज बना सकते हो और उसको अलग अलग तरीके से यूजर को एंगेज हो उस तरीके से प्रमोट कर सकते हो। और अगर लिंक्डइन पर हो तो सामने वाले बिजनेस को किस तरीके से आपकी आइडिया से फायदा हो सकता है वो आप वहां पर लिख सकते हो और वहां से आपकी एक ऑथोरिटी क्रिएट कर सकते हो कि भाई दिस इज द ऑथोरिटी पर्सन इन सो एंड सो फील्ड। तो जब भी उनको कोई काम होगा तो आपको कॉन्टेक्ट करेंगे। क्लियर? तो ये दो चीज आप आपके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ कि हमारे यहाँ पर एक पुरोहित है, पुरोहित मानी ब्राह्मण है जो विधि सब कुछ करता है। तो वो नॉर्मली क्या करता है कि जहां पर भी वो विधि करता है उसके सारे फोटोग्राफ्स ले लेता है और उसको फेसबुक पर पोस्ट कर देता है और लिख देता है कि दिस इज द पूजा या विधि आई हैव डन एट दिस लोकेशन। इससे क्या होता है, उसके फ्रेंड लिस्ट में 6000 कनेक्शन है या 6000 फ्रेंड्स है। तो 6000 में से अगर 500 लोगों ने भी ये देखा और उनके यहां पर अगर वही चीज करनी है, ग्रह शांति करनी है कि कुछ भी करना है, तो सबसे पहले उनका नाम दिमाग में आएगा क्योंकि आपने देखा है कि भी उन्होंने ये जगह पर किया, तो वो अपना ब्रांडिंग कर रहे हैं। तो ये सारी चीज आप आपके लिए भी कर सकते हो, आपके बिजनेस के लिए कर सकते हो। जैसे कि एसी सर्विस रिपेयरर है तो बिफोर एंड आफ्टर एसी सर्विस, पहले कैसा अंदर से गंदा था जो उसका फिल्टर था अभी कैसे हो गया है। कस्टमर टेस्टिमोनियल है या रिव्यूज है कि भाई ऑन टाइम सर्विस के लिए आ जाते हैं, राइट, जब भी, क्योंकि वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, निकलो छू ने क्यारे निकलो छू आपने जाए सुधी पहुंचे नहीं, राइट। तो ये जो है ये सब कुछ आप ब्रांड रेपुटेशन डिजिटल मार्केटिंग से कर सकते हो। और जो तरीका है वो है जैसे मैंने शुरू में बताया, Amazon या Flipkart पर भी आप सेल करके, राइट, यू कैन मेक योर रीच ऑल ओवर द इंडिया इन वन नाइट और विद इन अ वीक, राइट। और एक तरीका है जिससे आप आपका बिजनेस प्रमोट कर सकते हो वो है वेबसाइट। तो आप आपकी खुद की वेबसाइट बना सकते हो, राइट, अगर अच्छी वेबसाइट बनानी है तो लेस देन 30,000 के बजट में वो रेडी हो जाएगी। और वो वेबसाइट से आप पूरे वर्ल्ड को, इनफैक्ट वेबसाइट से तो पूरे वर्ल्ड को टारगेट करके अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो, राइट। जैसे कि अभी आप यहां पर सर्च करोगे कि डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट इन अहमदाबाद, डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट इन अहमदाबाद, सो यू विल फाइंड कि मेरी एक यहां पर है और दूसरी यहां पर है। तो यहां से मुझे एवरी वीक 2 लीड आती है कि भाई मुझे डिजिटल मार्केटिंग अपना करवाना है, तो हाई आओ आई कैन डू दैट, राइट। तो यही चीज आप जो बिजनेस में हो वो आप खुद के लिए भी कर सकते हो। अच्छी सी वेबसाइट बनाओ और SEO की टेक्निक सीख कर उसको टॉप पर ला दो। डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट इन अहमदाबाद से एक महीने में 400 पीपल आर सर्चिंग ऑन दी गूगल, ये भी डेटा आपको गूगल से मिल जाता है, राइट। सो 400 पीपल में से इवन दो अगर 100 पीपल ने भी ये देखा मेरी और 100 में से अगर 25 पीपल ने भी मुझे कॉन्टेक्ट किया, राइट, या 20 पीपल ने कॉन्टेक्ट किया और 2 लोग भी कन्वर्ट हुए, तो मुझे मंथली 50,000 रुपीज का इजीली मेरा रेवेन्यू है, राइट, विद द हेल्प ऑफ दिस लिस्टिंग, राइट। सो ये तरीके से आप भी आपके लिए कर सकते हो। ये इंडीड में जो मैंने अभी आपको दिखाया, ओके। कोर्स खत्म होने के बाद आप कौन कौन सी चीज कर सकोगे अपने आप, ये मैंने लिखा है। सबसे पहले गूगल पर कैसे आपको टॉप में आना है आपके कीवर्ड के लिए, जैसे एसी सर्विस रिपेयर इन मणिनगर है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट इन मणिनगर है, SEO ट्रेनिंग इन अहमदाबाद है, राइट, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन अहमदाबाद है, या ट्रेनिंग के लिए कोई भी वर्ड ले लो मैं ही टॉप में आता हूँ, PPC ट्रेनिंग इन अहमदाबाद, सोशल मीडिया मार्केटिंग ट्रेनिंग इन अहमदाबाद, कोई भी वर्ड ले लो, राइट, उसमें कैसे टॉप में आना है वो आप सीख जाओगे।
और आप लोगों को बताने से पहले मैंने खुद को प्रूव किया है, राइट। अगर आप किसी को सिखा रहे हो और आप ही वहां पर टॉप पर नहीं हो तो हाउ यू कैन प्रूव दैट यू नो दैट थिंग्स, राइट। सो दैट इज द थिंग। नंबर टू, कि आप आपका बिजनेस पेड मार्केटिंग के जरिए, राइट, गूगल फ्री में भी देता है और पेड में भी देता है। जो पेड है वो गूगल एडवर्ड्स है या पीपीसी है, और जो फ्री वाला है वो ऑर्गेनिक है। तो आप पेड के जरिए भी आपका बिजनेस बहुत ही फास्ट प्रमोट कर सकते हो, राइट। अगर आज के दिन में मुझे एसईओ कंपनी ने अहमदाबाद से या एसईओ कंपनी ने इंडिया से टॉप में आना है, जिसका सर्च वॉल्यूम अराउंड 15,000 पर मंथ है, 1500 सॉरी, तो वो इतना इजी नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि भाई अगर मैं वहां पर पेड मार्केटिंग के जरिए टॉप में आ जाऊंगा तो मैं वहां से कस्टमर गेन करके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जनरेट कर सकता हूं, तो मैं पेड मार्केटिंग भी कर सकता हूं। वो कैसे करना है वो आप सीख जाओगे एट द एंड ऑफ द कोर्स। उसके बाद है कि गूगल एनालिटिक्स के जरिए, राइट, गूगल एनालिटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू एनालाइज एंड मेजर एवरीथिंग। उसके जरिए किस तरीके से आपको आपकी वेबसाइट में चेंजेस करना है वो आप सीख जाओगे एट द एंड ऑफ द लेक्चर, राइट, एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग। जैसे मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं कि मेरा एक स्टेटिस्टिक्स था कि जो लोग मेरी वेबसाइट पर आते थे उसमें से जो लोग प्लेसमेंट पार्टनर को विजिट करते थे, राइट, ये मैं आपको एक एनालिसिस बता रहा हूं, उसमें मेरा कन्वर्जन रेट था 25%, राइट। व्हाट डू आई मीन बाय कन्वर्जन रेट, कोई बताएगा मुझे? कन्वर्जन रेट तो नहीं बोल सकते, लीड रेट, मेरा लीड रेट था 25%। तो कोई बोल सकता है व्हाट आई मीन बाय लीड रेट? जितने यूजर्स आ रहे हैं उसमें से कितने क्लाइंट हैं जो आपका कांटेक्ट करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, अगर आपने कांटेक्ट नंबर दिया है, अगर फोन दिया है। परफेक्ट। तो जो बंदा प्लेसमेंट पार्टनर वाले पेज को विजिट करता था उसकी मुझे कांटेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी और रिमेनिंग पेज से 3 times ज्यादा। ये मुझे कैसे पता लगा? विद द हेल्प ऑफ गूगल एनालिटिक्स। तो मैंने क्या किया, ये डेटा को लेवरेज करने के लिए या कैपिटलाइज करने के लिए मेरे जितने भी मेरे पेजेस थे उसमें मैंने प्लेसमेंट पार्टनर का लोगो लगा दिया, ये चेंजेस मैंने, ताकि यूजर को वो पेज अगर वो दिमाग में यहां से निकल जाए तो ऐसा ना हो कि वो पेज विजिट करे बगैर वो चला जाए। तो वो चीज मैंने हर एक पेज पर ऐड कर दी जिससे मेरा कन्वर्जन रेट पूरी वेबसाइट का 2% था, वो हो गया 6% या मोर देन 6%, राइट। तो ये सारे चेंजेस आपको किस तरीके से आपके बिजनेस के लिए करना है वो आप सीख जाओगे गूगल एनालिटिक्स के जरिए। उसके बाद है ईमेल मार्केटिंग। सो ईमेल मार्केटिंग में कौन से टाइम पर ईमेल करना है, ईमेल में सब्जेक्ट लाइन कौन सी लिखनी है, कंटेंट कौन सा ऐड करना है, वो सारी चीजें आप सीख जाओगे ईमेल मार्केटिंग में। उसके बाद है वीडियो मार्केटिंग। सो वीडियो मार्केटिंग में वीडियो की लेंथ कितनी होनी चाहिए, उसका कंटेंट कैसा होना चाहिए, उसका टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज आप सीखोगे वीडियो, क्योंकि वीडियो मार्केटिंग इज द फ्यूचर, राइट। ऐसा एक मैंने कभी गूगल पे ही पढ़ा था कि बाय 2020 85% ऑफ द ट्रैफिक विल बी कंज्यूम बाय यूट्यूब ओनली, राइट। लोग ज्यादा से ज्यादा आगे वीडियो देखना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि जो चीज आपको 1000 वर्ड में पढ़कर पता लगती है वही चीज आप 1 मिनट का वीडियो देखकर पता कर सकते हैं। सपोज आज मैंने वैक्यूम क्लीनर लिया और उसको कैसे असेंबल करना है वो उसकी एक बुकलेट होती है, मैनुअल होता है उसका, वो आपको पढ़ने में मिनिमम 10 या 15 मिनट लग जाती है। वही चीज अगर उन्होंने वीडियो बनाकर 1 मिनट का आपको बता दिया है तो आप इजीली उसको असेंबल कर सकते हो। सो दिस इज द पावर ऑफ यूट्यूब वीडियो, उसको कैसे प्रमोट करना है, राइट, वो आप सीखोगे। और लास्ट में SMS मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, तो वो भी आप सीख जाओगे कि SMS और व्हाट्सएप मार्केटिंग के जरिए किस तरीके से आप आपका बिजनेस या क्लाइंट का बिजनेस प्रमोट कर सकते हो। सर्टिफिकेशन। सो एट द एंड ऑफ द कोर्स यू विल हैव
at the end of the course you will have 3 certifications: Google AdWords, Google Analytics, and hamara khud ka certificate hai, wo hum aap logo ko denge, right? अभी मैंने ये बताया कि भाई एज अ डिजिटल मार्केटर आपका ग्रोथ कैसा होगा, राइट? अगर आप डिजिटल मार्केटिंग को आपके करियर के तौर पर चूज करते हो तो हाउ विल बी योर ग्रोथ? तो आप ऐसा बोल सकते हो कि भाई यहाँ से सीखकर आपको 10 से 15,000 की सैलरी वाली जॉब कंफर्म मिल जाएगी, कंफर्म 100% रेट है हमारा। तो और आप 5 साल में अप्रोक्सीमेटली 50,000 तक पहुंच जाओगे, राइट? द ओनली थिंग रिक्वायर्ड इज कि आपको हर रोज कुछ नया सीखना है, वो तैयारी आपकी होनी चाहिए। आज के दिन में भी मैं सुबह उठ के आधा घंटा गूगल के आर्टिकल पढ़ता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट चेंजिंग लाइन है। अभी ऐसा ये लाइन नहीं, सभी लाइन ऐसी हो गई है, सभी लाइन ऐसी हो। अगर आप प्रोग्राम में प्रोग्रामर भी हो तो उसमें भी बहुत सारी एंगुलर जेएस अभी नया आया है, नोड आया है, बहुत सारी चीज नई आती ही रहती है, राइट? तो ऐसा तो अभी कोई भी फील्ड में ऐसा नहीं है कि आज सीखा वो 10 साल तक वही सीखोगे तो चलेगा, ऐसा अभी निकल गया, राइट? तो अगर आपने हर रोज कुछ ना कुछ नया वैल्यू एडिशन अपने आप में किया और वही चीज आपके क्लाइंट पर इंप्लीमेंट की, वो भी इतना ही इंपॉर्टेंट है, राइट? अगर आपको पता है कि भाई ये सब्जी कैसे बनानी है लेकिन आप कभी भी बनाई ही नहीं आपने, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। फायदा तो तभी होगा जब आप वो बनाओगे, तो वही चीज है कि फायदा तभी होगा जब क्लाइंट पर आप इम्प्लीमेंट करोगे, राइट? तो आपको कोई नहीं रोक सकता यहां तक पहुंचने के लिए, राइट? ये payscale.com है जो मैंने अभी आपको शुरू में दिखाया था। तो इंडिया में 4 लाख रुपीज प्लस था, अगर आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप 4 लाख रुपीज प्लस मंथली कमा सकते हो, अर्न कर सकते हो। Why you need training? Training की क्यों जरूरत है, राइट? ये तो हमको पता लग गया कि भाई इसका फ्यूचर ब्राइट है, ये करने से कन्फर्म जॉब मिलने वाली है, ऑनलाइन डिमांड बहुत ही ज्यादा है। तो फिर द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज इन टू अवर माइंड इज वाई यू नीड ट्रेनिंग? कोई बताएगा मुझे क्यों ट्रेनिंग की जरूरत है? इसमें से कितने लोग हैं जो ऑलरेडी ये फील्ड में है? कोई भी नहीं है, ऑल आर फ्रेशर्स। ओके, अगर होता तो मेरे लिए काम आसान हो जाता, इसलिए। ओके, किसी को पता है कि क्यों ट्रेनिंग करनी, ट्रेनिंग व्हाई ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट, कोई बताएगा मुझे? राइट, अगर आप कोई भी चीज अपने आप करते हो तो ट्रायल एंड एरर मेथड से हम लोग करते हैं नॉर्मली, कि भाई ये किया, ये इसमें सक्सेस नहीं हुआ तो दूसरा ट्राई किया, ये सक्सेस नहीं हुआ तो तीसरा। इसमें आपको सभी चीज रेडीमेड मिलेगी कि भाई ये चीज करोगे तो कन्फर्म आपको रिजल्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने 10 साल में जो एक्सपीरियंस किया है वो चीज मैंने गूगल स्प्रेडशीट में सभी चीज को प्रोसेस बनाकर रख दिया है, राइट? मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा, मेरे पास ऐसी 150 प्लस प्रोसेस है कि अगर आपको कीवर्ड रिसर्च करना है तो किस तरीके से करना है, पेज ऑन पेज करना है तो किस तरीके से करना है, लिंक बिल्डिंग करनी है तो किस तरीके से करनी है, राइट? तो ये सारी चीज मैंने अंदर से ले लो, चेयर ले लो अंदर, अथवा तमे बे चेयर आपी दो अने अंदर थी बे लई लो, तो इजी थई जशे। पड़ी छे एक ज छे, तू ले, हाँ बस तू अंदर थी ले दोस्त, अंदर थी। So why you need training? तो सबसे पहला रीजन ये है ट्रेनिंग लेने का कि कंपनी में नॉर्मली कोई सिखाता नहीं। क्यों नहीं सिखाता? इसके दो रीजन है, क्योंकि मैंने 10 साल इंडस्ट्री में स्पेंड किए हैं तो मुझे पता है। दो सबसे बड़ा रीजन ये है कि उसके सीनियर को ये डर रहता है कि अगर मैं इसको सिखाऊंगा तो ये मेरे से आगे निकल जाएगा, साइकोलॉजिकल फियर। और कंपनी को यह डर लगता है कि अगर ये सीख जाएगा तो कंपनी छोड़कर चला जाएगा या ज्यादा सैलरी मांगेगा। ये दोनों रीजन से एक साल तक अहमदाबाद में 80% ऑफ द कंपनी या मेजोरिटी, उससे भी ज्यादा कंपनी, एक साल तक एसईओ के नाम पर वो उसको डेटा एंट्री करवा दी,
राइट। कई बार ऐसा होता है कि मैं जब इंटरव्यू लेता हूँ तो वो मुझे बोलता है कि भाई सर तमारे मने जे सैलरी अत्यार मळे जने थी ओछो आपसो तो चाल जे पण शीखवाड़ जो हमने, राइट। क्योंकि उसको पता है कि अगर वो सीखेगा तो ही एक साल के बाद उसका ग्रोथ होगा 20 या 25% या उससे ज्यादा। अगर उसको पता ही नहीं है तो सबसे पहले तो फ्रस्ट्रेशन होगा कि सालू एंजीनियर के आटलू बधुं भणी ने आ डेटा एंट्री करवा माटे भण्या था, राइट। दैट इज नंबर वन। एंड नंबर टू कि उसको पता है कि आगे मेरा ग्रोथ होने वाला नहीं, तो ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कि आपको ट्रेनिंग लेनी है, राइट। ताकि 3 महीने में या 2 महीने में 2.5 महीने में आप ये डिजिटल मार्केटिंग में जितनी भी चीज रहती है वो आपको पता लग जाए, दैट इज नंबर वन। एंड हमारे यहां पर ऐसी प्रोसेस है कि वो चीज हम आपको 2 डोमेन पर प्रैक्टिकल करवाएंगे, वो मस्ट आपको करना ही है, नहीं करोगे तो 50 रुपीज फाइन रखा है हमने कि नेक्स्ट लेक्चर में 50 रुपए, और हमारा रिकॉर्ड है कि 200 रुपए की कोई दिवस कोई वधार आप्या नहीं, राइट। એટલે 4 થી વધારે વાર નથી કર્યું એવું થયું નથી, રાઈટ। તો હમને યહાં પર એસી પ્રોસેસ હી એસ્ટેબ્લિશ કી હૈ, ક્યોંકી મુજે પતા હૈ કે પ્રેક્ટિકલ અગર નહીં પતા હૈ તો વો કિતના ભી અચ્છા ઉસકો પતા હૈ હી વિલ નોટ ગેટ ધ જોબ યા શી વિલ નોટ ગેટ ધ જોબ, રાઈટ। તો શરૂ સે હી આપકો 2 ડોમેન હમ લોગ 2 દેંગે વો આપકે ભી આપ લે સકતે હો યા આપકે પાસ નહીં હૈ તો હમ ભી આપ લોગો કો દેંગે કે ભઈ આપકે પાસ ઓલરેડી વેબસાઇટ્સ હૈ तो जो चीज हम यहां पर सिखा रहे हैं वो आपको वही वेबसाइट पर घर पे जाके या यहां पर प्रैक्टिस करनी, राइट। नंबर टू कि आपको 2.5 महीने में 1000+ कंपनीज इन अहमदाबाद, रिक्वायरमेंट 400+ कंपनीज में थी लेकिन कंपनियां तो 1000+ है अहमदाबाद जो वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट या आईफोन डेवलपमेंट का काम कर रही है, और 25+ जॉब्स इन इंडिया एंड अब्रॉड आपके लिए रेडी है, राइट। तो ये चीज दूसरी है कि आपको ट्रेनिंग लेनी चाहिए। और अगर आपका खुद का बिजनेस है तो उसमें से कोई रीजन ही नहीं है, अगर आपको 10 लीड भी ज्यादा मिल गई और एक लीड की एवरेज वैल्यू सपोज 10,000 रुपीज है तो 1 लाख रुपीज इज देयर, राइट। तो उसका तो स्काई इज द लिमिट है, राइट। उसके बाद है कि आपको क्लासरूम ट्रेनिंग क्यों लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ट्रेनिंग अभी ऑनलाइन भी लोग देने लगे हैं। So why you need classroom training and not the online training? कोई बताएगा मुझे? Why classroom training is better than the online training? Very good. Upfront आप पूछ सकते हो कि भाई इसमें क्या हुआ, right? वो online में आप नहीं पूछ सकते, last में वो सब कुछ इकट्ठा लेते हैं। और कोई reason? Yes, very good. अगर किसी ने online गलती की है तो भी आप उससे सीख सकते हो। Any other? जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, करेक्ट करेक्ट वेरी ट्रू। जो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है वो ये है कि आप जो शांति से और फोकस से यहां पर बैठकर मुझे सुन रहे हो, आई बेट यू कि आप वो कंप्यूटर पर कभी नहीं सुनोगे। રવિવારે કોઈ ભાઈબંધ આવી ગયો કે ગમે તે આવી ગયું તો તમારું ધ્યાન ડિસ્ટ્રેક્ટ થઈ જશે ને એવું થશે કે જવા દેવા આને પછી જોઈ લઈશું, રાઈટ। કન્ફર્મ એવું થાય જ, તમારું ડિસ્ટ્રેક્શન અહીંયા તમે ડેડિકેટેડ ટાઈમ અલોકેટ કર્યો છે, ડેડિકેટેડ અહીંયા આવ્યા છો તો તમે અહીંયાથી મેક્સિમમ શીખીને જશો, રાઈટ। નંબર થ્રી કે જેમ હમણાં કીધું કે બીજાની મિસ્ટેક્સથી શીખી શકો, અને નંબર થ્રી એક વસ્તુ એવી છે, એક લર્નિંગ પિરામિડ છે, હું તમને બતાવું અહીંયા જો આવશે તો હું બતાવું, આ બેઝિકલી શું કહે છે લર્નિંગ પિરામિડ। યે લર્નિંગ પિરામિડ ક્યા બતાતા હૈ હમકો કે અગર આપ સિર્ફ સુન રહે હો તો જૈસે મોદીજી કી મન કી બાત, તો આપ સિર્ફ 5% ગેઇન કરોગે, રાઈટ। યુ વિલ લર્ન ઓનલી 5%। અગર આપ વો ઓડિયો વિઝ્યુઅલ રિપ્રેઝન્ટેશન હૈ, યાની વોહી ચીજ અગર આપકો દિખતી ભી હૈ तो आपका गेन हो जाएगा 20%। अगर मैंने आपको कोई एग्जाम्पल दिया, राइट, रियल लाइफ का, रियल टाइम एक्सपीरियंस, रियल लाइफ का एग्जाम्पल दिया, तो वो बढ़ जाएगा 30%। अगर आपने यहां पर डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया, राइट, जैसे इन्होंने कुछ आंसर दिए, आपने कुछ आंसर दिए, वो हो जाएगा 50%। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजिकल ऐसा है कि आपकी जितनी ज्यादा सेंसेस
आंख नाक कान गला, जितनी ज्यादा सेंसेस कोई भी चीज में फोकस होती है आपका लर्निंग उतना अच्छा होगा। आपको मैं सिंपल ऐसा पूछूं कि आपको कॉलेज का कौन सा दिन याद है, तो कौन सा दिन याद होगा? जब आपने कोई कांड किया होगा वही दिन याद होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि आपकी आपकी फीलिंग उसके साथ अटैच है। कोई भी पनिशमेंट मिला हो या कोई भी हुआ हो, वही चीज यहाँ पर कि अगर आपने टू वे कन्वर्जेशन में पार्टिसिपेट किया तो आपकी लर्निंग वो केस में बहुत ही ज्यादा होगी कंपेयर टू जस्ट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर या लैपटॉप। और प्रैक्टिस बाय डूइंग, अगर आपने वही चीज घर पे जाके या यहाँ पर बैठकर की तो वो 75% हो जाएगी। और अगर और किसी को आपने यही चीज सिखाई, जैसे कि आपने सामने वाले का बिजनेस है और आपने बताया कि भाई व्हाट्सएप बहुत, हम लोग बहुत टाइम स्पेंड करते हैं व्हाट्सएप पर, राइट, वेस्ट करते हैं, स्पेंड नहीं वेस्ट करते हैं, वही चीज अगर आप और किसी को ये सिखाने में अगर आपने स्पेंड की तो आई बेट यू कि वो आपका एकदम पक्का हो जाएगा, एकदम पक्का हो जाएगा, राइट। सो दिस इज द रीजन कि आपको क्लासरूम ट्रेनिंग करनी चाहिए। और हम यही सिद्धांत, यही सिद्धांत पर हम लोग हमारी ट्रेनिंग देते हैं कि हम लोग 100% प्रैक्टिकली देते हैं और यहाँ पर ही बैठकर करवाते हैं। ओके, उसके बाद है कि आपने आपके लिए क्विट डेडिकेटेड टाइम स्पेंड किया है, जैसे मैंने अभी आपको बोला, तो ये भी आपकी लर्निंग को बढ़ा देता है। आपको यहां से क्यों ट्रेनिंग लेनी चाहिए, राइट? तो सबसे पहला रीजन ये है कि आप पूरे इंडिया में या पूरे अहमदाबाद में देख लो, कोई फ्री लेक्चर नहीं देता है। हम लोग सब पहले 3 लेक्चर फ्री देते हैं, डेमो प्लस 2। क्यों? क्योंकि हमको वही बंदे को पढ़ाना है या वही बंदे को ट्रेनिंग देनी है जिसको ये समझ में आता है, नंबर 1, जिसको इंटरेस्ट है, एंड नंबर 2 जिसको हमारी टीचिंग स्टाइल कन्वीनियंट है। और वो आप अगर यहाँ पर 4 घंटे स्पेंड करते हो या 6 घंटे स्पेंड करते हो तो यू कैन इजीली कम टू नो कि यहाँ को, यहाँ से सीखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नंबर 1, एंड नंबर 2 कि आपको ये दिमाग में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, राइट। नॉर्मली क्या होता है कि लोग रजिस्ट्रेशन के तौर पर पैसे ले लेते हैं, भाई 2000 रुपये आपको तो तुमने हमें बैसवा दे, और 2000 रुपीज दिए है इसलिए फिर वो आप लेक्चर अटेंड करते हैं, इसलिए आप अटेंड नहीं करते या इसलिए नहीं करते कि आपको कुछ सीखने को मिलता है, राइट। तो हमारे यहाँ पर एक प्रोसेस है कि पहले 3 लेक्चर कोई भी कैंडिडेट हो हमेशा फ्री में देना है, ताकि कैंडिडेट खुद डिसाइड करे कि उसको ये करना है कि नहीं करना है, और 4th लेक्चर से हम कभी भी उसको, उसने ना बोला है तो कभी भी उसको फॉलो अप भी नहीं करता है कि भाई आप करो या ना करो, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि उसको करना है तो वो यहाँ पर आने ही वाला है, और नहीं करना है तो हम कितना भी फॉलो अप कर ले वो नहीं आने वाला है, राइट। नंबर 2, आपको जो सिखाने वाला है नॉर्मली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ज्यादातर इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है कि जो सिखाने वाला होता है ना उसको ही प्रैक्टिकल नहीं पता होता, मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स, कि उसको जॉब नहीं मिल रही है इसलिए वो ट्रेनिंग दे रहा है। नॉर्मली क्या होता है कि उसको जॉब नहीं मिल रही है इसलिए वो ट्रेनिंग दे रहा है, जैसे कॉलेज में इंजीनियरिंग के प्रोफेसर, एमने जॉब ना मिलती हो प्रोफेसर दे, राइट। अबे एने खुद जो ये लोग एलिजिबल नहीं थे तो हमने क्यों सिखवाते, राइट। इट इज लाइक दैट। मेरे केस में ऐसा है कि मैं ट्रेनिंग इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि मेरे पास काम नहीं, मेरे पास बहुत काम है, क्योंकि मैंने आपको रैंकिंग भी दिखा है और मैं 10 साल से इंडस्ट्री में हूँ तो मेरे बहुत सारे कॉन्टेक्ट भी है, लेकिन ट्रेनिंग इज माई पैशन, मुझे अच्छा लगता है ट्रेनिंग देना और लोगों में वैल्यू एडिशन करना। तो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन मेरे लिए ये है कि मुझे सामने वाले में वैल्यू एडिशन करनी अच्छी लगती है, इसलिए मैं ट्रेनिंग देता हूं। नो डाउट पैसे इज, मनी इज देयर, बट वो सेकेंडरी है, सबसे पहला है मुझे वैल्यू एडिशन करनी, इसलिए मैंने 3 लेक्चर फ्री में देता हूं। नंबर 3, और मैं खुद गूगल एडवर्ड एनालिटिक्स सर्टिफाइड प्रोफेशनल हूं, और आप मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल देख सकते हो, राइट, फ्रॉम द वेबसाइट यू कैन इजिली चेक माई लिंक्डइन प्रोफाइल एंड यू कैन क्रॉस चेक एवरीथिंग, कितना साल का एक्सपीरियंस है, मैंने कहां कहां पर काम किया है, कौन से लोगों ने मेरे लिए रिकमेंडेशंस दिए हैं, वो सारी चीज, क्योंकि अभी इंटरनेट में ये चीज है सब कुछ ओपन है, राइट। तो आप सब कुछ क्रॉस चेक कर सकते हो कि भाई ये चीज कैसी है, जैसे हमने शुरू में देखा कि रिव्यूज चेक कर सकते हो, ये वही चीज है, तो वो मेरे लिए भी आप कर सकते हो। और मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि कहीं पर भी आपको ट्रेनिंग लेनी है तो जो ट्रेनर है ना वो बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, उसका वो
बैनर नहीं रोल प्ले करेगा, क्योंकि आपको ट्रेनिंग वो बैनर नहीं देने वाला है, आपको वो ट्रेनर देने वाला है, राइट? तो यही चीज है कि ट्रेनर इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ट्रेनर को खुद को ही वो चीज प्रैक्टिकल का एक्सपीरियंस नहीं है तो बिलीव मी वो कभी भी आपको नहीं सिखा सकता. इसीलिए कॉलेज में जो प्रोफेसर थे वो आउटडेटेड है, उसका रीजन बेसिक यही है कि वो कभी भी प्रैक्टिकल फील्ड में जाते ही नहीं, राइट? वो क्लासरूम में ही बिलीव कर लेते कि यही सब कुछ ऑल वर्ल्ड में चल रहा है, राइट? करेक्ट. नंबर थ्री, कि यहां से 200 प्लस कैंडिडेट ने ट्रेनिंग ली है और मैंने अपने करियर में 1000 प्लस वेबसाइट को ऑप्टिमाइज की है, राइट? 1000 प्लस वेबसाइट या उससे भी ज्यादा को मैंने अपने 10 साल के करियर में ऑप्टिमाइज की है और उसको क्लाइंट को हेल्प किया है 10 प्लस इयर्स को एक्सपीरियंस में. आप अगर हमारे रिव्यूज को चेक करोगे, ये मेरा जो पुरानी मेरी थी उसका है, राइट? तो आपको यहां से रिव्यूज भी मिलेंगे, जिन्होंने भी यहां से ट्रेनिंग ली है उसके रिव्यूज भी आपको यहां से मिल जाएंगे, राइट? और आप इसी में से अगर आपको आपका पहचान वाला बंदा कोई मिल गया, राइट, तो आपको तुरंत ही पता लग जाएगा. कोई भी आपका पहचान वाला मिल गया कि भाई ये तो इसको मैं पहचानता हूं, तो आपको मेरा एक्सपीरियंस, ये भी मेरी वेबसाइट है, राइट? तो यहां से आपको सारे रिव्यूज भी आप यहां से क्रॉस चेक कर सकते हो, राइट? इसमें से किसी को भी आप पूछ सकते हो कि भी आपने ट्रेनिंग ली, क्योंकि हमारा ऑनेस्ट ओपिनियन कौन दे सकता है जिन्होंने यहां से ट्रेनिंग ली है, वेरी सिंपल, राइट? तो आप किसी को भी यहां से पूछ सकते हो कि भाई आपको ये ट्रेनिंग कैसी लगी थी, नंबर वन, और इससे आपको वैल्यू एडिशन क्या हुआ, क्लियर? कांट गेट यू. हाँ, वन एंड हाफ आवर का ट्रेनिंग रहेगा और आधे घंटे आपको प्रैक्टिस करनी है, और जो प्रैक्टिस में छूट गया है वो घर से नेक्स्ट लेक्चर से पहले करके लाना है. अगर आपके पास लैपटॉप है तो वो बढ़िया है, अगर लैपटॉप नहीं है तो यहाँ पर सिस्टम है, उस पर बैठकर भी आप कर सकते हो. आपका लैपटॉप होगा तो आपकी स्पीड उसमें हमेशा ज्यादा होगी कंपेयर टू द अदर कंप्यूटर, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो खर्च करने की जरूरत नहीं है. आप जब सैलरी स्टार्ट हो जाए उसके बाद खर्च करके ला सकते हो, तब तक यहाँ पर बैठ सकते हो, और यहाँ से 5 to 6:30 में कभी भी यहाँ पर आकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो. आफ्टर ट्रेनिंग, बिफोर ट्रेनिंग, आफ्टर ट्रेनिंग भी कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि 2 महीने ट्रेनिंग कंप्लीट की और उसके बाद नहीं आ सकते, आप कभी भी आ सकते हो. जैसे वो बंदा आया था अभी, वो उस तरीके से कभी भी आ सकते हो 5 to 6:30, राइट? उसके बाद है हमारे 100 प्लस प्लेसमेंट पार्टनर्स है, यानी अहमदाबाद में ये कंपनियों में से किसी को भी अगर डिजिटल मार्केटर की जरूरत रहती है तो वो लोग हमको कांटेक्ट करते हैं और वो कांटेक्ट को हम फेसबुक पर पेज पर पोस्ट कर देते हैं ताकि आपको पता लगे कि भाई नई वैकेंसी कहाँ पर ओपन हुई है, राइट? अगर आप हमारा फेसबुक पेज देखोगे फूटर में, तो यहां पर आपको दिखेगा कि हमने कौन कौन सी पोस्ट की हुई है, ये यहां से आपको मिल जाएगा. जो भी हमने पोस्ट की है ना, वो यहां से आपको लिखा है हायरिंग, ये नहीं है सोशल, ये रहा कुंभ डिजाइन. तो इनको जरूरत थी डिजिटल मार्केटर की, तो हमने यहां पर पोस्ट की, राइट? तो जब भी यहां पर जरूरत रहती है हम लोग पोस्ट कर देते हैं और आप उसको देखकर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो. उसके बाद है हमारी जो टीचिंग स्टाइल है वो लर्निंग पिरामिड है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, राइट? हम लोग प्रैक्टिकल आपको 100% प्रैक्टिकली सिखाएंगे,
0% थियरी, 100% प्रैक्टिकल, सब कुछ प्रैक्टिकल ही रहेगा। आपको यहां से यहां पर ही लेक्चर खत्म होने के बाद 30 मिनट्स प्रैक्टिस करके जाना है, और जो रिमेनिंग चीज है वो आपको जो भी मैंने स्प्रेडशीट का एक्सेस दिया है उसके नीचे लिखा होगा कि आपको रिमेनिंग चीज क्या करनी है। तो वो चीज आपको आपके डोमेन पर यानी कि आपकी वेबसाइट पर नेक्स्ट लेक्चर से पहले करके लानी है। मैं आपको दिखाता हूँ मटेरियल हम किस तरीके से देते हैं, वो आपको दिखाता हूँ। राइट, ये लिखा है हम आपको लाइफ टाइम एक्सेस देंगे सभी मटेरियल जो भी हमारा है उसका, और एवरी लेक्चर का आपको वीडियो भी मिलेगा। जैसे मैं ये लेक्चर का वीडियो आपको सेंड करने वाला हूं, उसी तरीके से थ्रू आउट द ट्रेनिंग यू विल हैव द वीडियो ऑन यूट्यूब फॉर ऑल द लेक्चर। ऑफ कोर्स वो आपके साथ प्राइवेटली सर्कुलेटेड होगा, ओपनली नहीं होगा पब्लिक को। राइट, इससे क्या फायदा होता है, हमको ऐसा रिस्पॉन्स मिला है कि यूट्यूब वीडियो से उनको बहुत फायदा होता है। क्यों? क्योंकि कई बार यहां पर सीखने में वो बहुत आसान लगती है, लेकिन जब आप वही चीज प्रैक्टिकल करने के लिए बैठते हो तो वो आपको नेक्स्ट स्टेप क्लैरिटी नहीं होती, वो क्लैरिटी आपको वो यूट्यूब वीडियो से मिल जाएगी। राइट, जैसे अभी आप डेस्कटॉप पर देखोगे तो ये बहुत सारे वीडियो है। जैसे मैंने पीपीसी का लेक्चर 12 मार्क को कंप्लीट किया था, तो ये पीपीसी के लेक्चर का वीडियो है। राइट, तो ये जो भी लेक्चर है वो आपको इस तरीके से पूरा वीडियो मिलेगा। राइट, इससे क्या होगा, इससे ये फायदा होगा कि आप घर पे बैठ के एक साल बाद भी अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है तो आप कर सकते हो। राइट, और इसका एक्सेस लाइफ टाइम रहेगा, वो भी कोई नहीं देता है, नॉर्मली एक साल ही देता है कि भाई एक साल आपको वीडियो के एक्सेस रहेंगे, और आपको जो रीडिंग मटेरियल है उसका भी एक्सेस लाइफ टाइम रहेगा। ये हमारा रीडिंग मटेरियल है, एसईओ का है, गूगल एनालिटिक्स, पीपीसी एंड सोशल मीडिया। राइट, सपोज एसईओ ट्रेनिंग है, हमने क्या किया है, राइट, तो ये सारे टॉपिक्स है। तो जब भी आप ट्रेनिंग में एनरोल करोगे तो ये जितने भी टॉपिक्स है वो सारे टॉपिक के ये सारी पूरी स्प्रेडशीट का मैं आपको एक्सेस दे दूंगा, और इसकी कॉपी बनाकर आप खुद अपने प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। राइट, जैसे यहां पर फाइल में चले जाओगे तो मेक अ कॉपी मिलेगा आपको, तो ये पूरी शीट का आपको कॉपी कर लेना है, और ये मेरी 10 साल की मेहनत है। राइट, ये मैंने 10 साल में जो भी सीखा है कि ये चीज वर्क करती है, ये चीज वर्क नहीं करती है, वो मैंने यहाँ पर स्प्रेडशीट में लाकर रख दिया है। तो इसकी कॉपी बनाकर जब भी आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है तो यही स्टेप से आपको एग्जीक्यूट करना है, कि सबसे पहले आपको उसकी इंफॉर्मेशन ले लेनी है। राइट, कि उसका बिजनेस मॉडल क्या है, उसकी यूएसपी क्या है, उसका टारगेटेड रीजन क्या है, ऑडियंस क्या है, ये सारी चीज सबसे पहले लेक्चर में ले लेनी है आपको, सबसे पहले स्टेप में ले लेनी है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि डोमेन नेम कैसे चूज करना है, होस्टिंग कैसे डोमेन का परचेस करना है। उसके बाद है कि गूगल फिलोसॉफी, उस वक्त मैं आपको सिखाऊंगा, कीवर्ड रिसर्च। तो ये सारी चीज मैंने स्टेप्स के फॉर्म में लिख दी है ताकि आपको इजीली पता लगे कि इसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। राइट, तो दैट इज द अनदर रीजन कि आपको यहां से ट्रेनिंग लेनी चाहिए, या क्या फायदा होगा ट्रेनिंग लेने से। उसके बाद है, जैसे मैंने बताया आपको कि मैं गूगल एडवर्ड्स और एनालिटिक्स सर्टिफाइड हूं और मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है। राइट, मैं उससे पहले अलग मलग में जॉब करता था, अलग मलग इज अ वेल नोन डेवलपमेंट कंपनी। राइट, और 1.5 साल से मैंने मेरा खुद का स्टार्ट किया, वहां पर मैं डिजिटल मार्केटिंग का हेड था। कोर्स ड्यूरेशन एंड फीस, तो ये पूरा कोर्स अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग का करना है तो वो लगेगा आपको 2.5 मंथ मैक्सिमम, और उसकी फीस है 19,000 रुपीज, जो आपको 2 इंस्टॉलमेंट में पे करनी है, 10,000 आफ्टर 3 लेक्चर, 3 फ्री लेक्चर यानी 4th लेक्चर में, और जो रिमेनिंग 9,000 है वो 1 महीने के बाद। राइट,
अगर आपको सिर्फ SEO सीखना है तो फीस विल बी ओनली 10,000, उसका ड्यूरेशन है 1 मंथ। अगर आपको सिर्फ PPC सीखना है, PPC मानी पे पर क्लिक गूगल एडवर्ड्स, PPC इज अ पार्ट ऑफ गूगल एडवर्ड्स, वही सीखना है तो वो लगेगा सिर्फ आपको 1 वीक और उसकी फीस है 8,000 रुपीज, राइट। ये 1 और 2 मंथ लिखा है, लेकिन अगर आप हफ्ते के 4 दिन या 5 दिन करते हो तो 1 वीक में ये खत्म हो जाएगा। और अगर गूगल एनालिटिक्स सीखना है तो भी वो 1 वीक लगेगा अगर हफ्ते के 4 या 5 दिन करते हो, और अगर सोशल मीडिया करना है तो वो 2 वीक लगेगा, राइट। और PPC की फीस है 8,000 रुपीज और गूगल एनालिटिक्स एंड सोशल मीडिया की फीस है 7,000 रुपीज, राइट। डिजिटल मार्केटिंग में ये सब कुछ कवर हो जाता है, राइट, क्लियर। द नेक्स्ट थिंग इज कि भाई आप अमदावादियों ने एक स्वभाव के भाई मने शू फायदो थे, राइट। पेलो खबर एक एड आती थी, पेलो प्लेन नी एडवर्टाइजमेंट करते थे ना कि एवरेज कितनी है इसकी, बहु पहला एड आती थी। तो ये उसी तरीके से है कि भाई मने करी, चलो भाई ट्रेनिंग तो करी, पर व्हाट आर द बेनिफिट्स आई हैव। तो मैंने ये केस स्टडी के तौर पर एक रिप्रेजेंट किया है कि जय नाम का एक बंदा था, उसकी केस स्टडी हमारी ब्लॉग सेक्शन में भी मिलेगी आपको। जय शुक्ला करके एक बंदा था, उसने यहाँ से ट्रेनिंग ली थी और उसका एक फ्रेंड था, राइट। उसने बोला कि भी मुझे ट्रेनिंग नहीं ली है, मुझे जॉब सिर्फ स्टार्ट करनी। तो कंपैरिजन ये हुई कि इसने जब ट्रेनिंग ली तो उसकी सैलरी थी 6,000 रुपीज INR और जय की सैलरी स्टार्ट हुई 12,000 रुपीज। तो मंथली डिफरेंस कितना हुआ? 6,000। तो 12 मंथ का डिफरेंस कितना हुआ? 12 × 6, फिफ्थ स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, 72,000, राइट। सो उसने फीस पे, उस वक्त 30,000 फीस थी मेरी, राइट, आज से 4 या 5 महीने पहले, लेकिन हमने 2 साल कंप्लीट किए तो हमने वो फीस को रिड्यूस करके 19,000 कर दी, वही चीज। तो 19,000 खर्ची ने तुमने एक वर्ष में 53,000 रुपीज तुमने कमाओ मरता हो तो कराए कि ना कराए, सिंपल, आस्क योर सेल्फ, ऑफकोर्स कराए। कौन तमने, कोई भी तुम्हारी इंजीनियरिंग नी कॉलेज हो के बीकॉम नी कॉलेज हो के BSc नी कॉलेज हो के, गारंटी आपे तुमने आटली सैलरी मळशे, भले ए लोको 1 लाख रुपया दर वर्ष नी पेमेंट लेता होय, तो बहु इंजीनियरिंग बहु महंगू थई गयुं छे पहला करता, अमे लोको भणता तेना करता तो बहु महंगू, इट इज वेरी कॉस्टली। तो कोई गारंटी देता है आपको? कोई भी गारंटी नहीं देता। मैं आपको 19,000 रुपीज में गारंटी देता हूँ कि आपको मिल जाएगी। और ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ इसलिए आपको ट्रस्ट करना है, आपको मार्केट सर्वे मेरी लिए कर लेना है, उसके बाद आपको अगर वो कन्विंसिंग लगे 2 लेक्चर के बाद तो ही आपको करना, राइट, क्लियर। क्योंकि मुझे किसी को नहीं करना है तो उसके पैसे नहीं लेना है, राइट, जिसको करना है उसी से पैसे लेना है। अगर आपको ऑलरेडी ये फील्ड में हो, आप में से कोई नहीं है लेकिन अगर ऑलरेडी ये फील्ड में है और उसको अगर अपने में वैल्यू एडिशन करनी है, राइट, सपोज आपको SEO के बारे में पता है लेकिन PPC के बारे में नहीं पता है, फॉर एग्जांपल, तो भी आप करोगे तो आपको कंफर्म रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा। जैसे अंकित पटेल करके एक बंदा था, उसकी भी केस स्टडी हमने हमारी ब्लॉग सेक्शन में मिल जाएगी। तो उसने जब ट्रेनिंग ली थी उससे पहले उसकी सैलरी थी 15,000 रुपीज और उसके साथ उसका एक फ्रेंड था, उसका कलीग था, उसकी भी सैलरी थी 15,000 रुपीज। PPC की ट्रेनिंग लेने के बाद उसने और एक कंपनी में जंप लगाया, राइट, या कंपनी चेंज कर दी, तो उसकी सैलरी हो गई 20,000, क्योंकि PPC नॉर्मली ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता है, राइट। और कोई फ्रेशर पर ट्रस्ट नहीं करता है क्योंकि फॉर एवरी क्लिक यू हैव टू पे समथिंग टू द गूगल, राइट, तो कोई ट्रस्ट भी नहीं करता है, तो दैट इज द चैलेंजिंग पार्ट। तो 3,000 रुपीज का डिफरेंस हुआ एक महीने का, 12 महीने का कितना हुआ? 36,000 रुपीज। आफ्टर स्पेंडिंग 8,000 रुपीज, इफ यू गेट द 36,000 रुपीज, दैट इज 400+% का ROI हुआ, राइट। 1 रुपये खर्ची तुमने 4 रुपया मिलता हो तो ये कराए ना कराए ना जीवी वस्तु, सिंपल, वेरी सिंपल, राइट। तो ये चीज है, करेक्ट। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज कंफर्म देयर, द ओनली थिंग रिक्वायर्ड इज योर विलिंगनेस, राइट। और बिजनेसमैन, तो यहाँ पर अनिल एस्ट्रोलॉजर करके एक भाई ने ट्रेनिंग ली थी,
राइट, उसका भी केस स्टडी हमने हमारी वेबसाइट पर लिखा हुआ है, ये उसकी वेबसाइट है, राइट right? हाँ देखा था ना आपका, राइट right? तो ये उनकी वेबसाइट है, ये हमने ही ट्रेनिंग के दौरान हेल्प की थी बनाने में। जब उन्होंने ट्रेनिंग ली थी उससे पहले उनको वेबसाइट से 10 लीड आती थी, राइट right? यानी 10 बंदे उनको एक महीने में कॉन्टेक्ट करते थे एस्ट्रोलॉजी की सर्विस लेने के लिए। हमने उनको उनकी वेबसाइट को अच्छा किया और गूगल पीपीसी स्टार्ट करवाया, तो उनकी रीच पूरा इंडिया हो गई। पहले सिर्फ अहमदाबाद थी, अभी पूरा इंडिया हो गई। तो उनको मंथली लीड मिलने लगी 100, उनका कन्वर्जन रेट था 20%, यानी 100 लोग उनको कॉन्टेक्ट करते थे तो 20 लोग उनको सर्विस देते थे। जैसे आप लोग सभी आए हो तो आप में से 5 या 6 लोग ट्रेनिंग लेंगे उस तरीके से, तो 20% लीड कन्वर्जन रेट था उनका, तो 2 लीड उनकी कन्वर्ट हुई और 1 लीड का उनका एवरेज प्रॉफिट था 3,000 रुपीज ऑन एन एवरेज। ये स्टेटिस्टिक्स एवरेज स्टेटिस्टिक्स है, तो उनको फायदा हुआ 6,000 पहले होता था, अभी हो गया पहले ही महीने आफ्टर ट्रेनिंग 20 कन्वर्जन मल्टीप्लाई बाय 3,000 रुपीज, दैट इज 60,000 रुपीज, राइट। तो उस वक्त 30,000 फीस थी, तभी उनको 200% का आरओआई मिल गया उस वक्त। अभी तो उनको 300% का आरओआई उनको अभी किया होता तो मिलता। राइट right? तो ये है, ओके okay, यस अगर आपको ट्रेनिंग नहीं लेनी है और सर्विस लेनी है, राइट, इफ यू थिंक भाई आई डोंट हैव दैट मच टाइम टू लर्न ऑल दिस थिंग्स एंड इंप्लीमेंट ऑन माय डोमेन, वी ऑफर द सर्विस एज वेल। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट आप सर्च करोगे तो हमारी वेबसाइट टॉप पर है। अगर आप सर्च करोगे डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन अहमदाबाद, राइट, तो भी आपको हमारी शाउट एंड एक पहली है, शाउट एंड एक मेरी वेबसाइट है और ये भी हमारी दूसरी चीज, राइट। तो आपको अगर सर्विस लेनी है तो भी हम लोग ऑफर करते हैं। तो जो चीज मैंने अभी आपको बताई कि मेरे पास 150 प्लस प्रूवन स्ट्रेटजीज है कि जिससे आप SEO में, PPC में, सोशल मीडिया में आपके क्लाइंट की वेबसाइट को प्रमोट कर सकते हो, तो वही चीज अगर आप सर्विस दे रहे हो तो हम सर्विस में भी देते हैं कि भी अगर आपको गूगल में टॉप में आना है आपके प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, पेड मार्केटिंग करवानी है, सोशल मीडिया पर ब्रांडिंग करवाना है, राइट, या रेपुटेशन मैनेजमेंट करवाना है, या और कोई भी चीज करनी है, तो हम लोग सर्विस भी देते हैं, राइट। नंबर टू कि यहाँ पर जैसे मैंने शुरू में बताया कि जितने भी लोग हैं वो गूगल एडवर्ड सर्टिफाइड प्रोफेशनल है, राइट, तो आपके ऊपर काम बढ़िया होगा, राइट। नॉर्मली क्या होता है कि SEO में ऐसे भी लोग मिल जाते हैं कि महीनाना 3,000 रुपया लें, अने एवा पण लोगो मळे के जे महीनाना 3,00,000 रुपया लें। तो हाउ यू कैन मेजर की ये 3,000 आपवा के 3,00,000 आपवा के 30,000 आपवा, राइट। सो फॉर दैट तमारे आपको सबसे पहले उसको उसका पोर्टफोलियो देखना है कि उसने जो भी पास्ट में काम किया है वो कैसा किया है। नंबर टू वो देखना है कि वो ज्यादातर फोकस कौन सी चीज पर करता है, रैंकिंग पर करता है या आपके बिजनेस पर करता है। अगर वो सिर्फ रैंकिंग पर करता है तो वहां पर नहीं जाना है, क्यों, क्योंकि रैंकिंग इज नॉट गिव यू द गारंटी दैट यू आर गोइंग टू गेट द लीड्स, इवन दो यू आर ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द गूगल। आपके आपके कितने कॉम्पिटिटर है, अगर आप गूगल में भी पहले पेज पर हो तो आपके कितने कॉम्पिटिटर है, मोर देन 10, 3 ad, 3 local और 10 organic, 16 प्लस तो कॉम्पिटिटर, इवन दो यू आर ऑन द फर्स्ट पेज यू हैव 16 कॉम्पिटिटर। तो वो ज्यादातर रैंकिंग पर फोकस करने की बजाय बिजनेस पर फोकस करें, क्योंकि अगर आपको सपोज मैं आपको 15,000 रुपीज चार्ज करता हूं और आपको मैं 2 महीने में या 4 महीने में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दूंगा तो आप 5वें महीने मुझे पैसे दोगे ना, वरना हाउ यू आर गोइंग टू पे मी फॉर द सेम, वेरी सिंपल, राइट। तो वो ROI पर फोकस करने वाला होना चाहिए रादर रैंकिंग पर फोकस करने वाला, राइट। आपको एवरी मंथ 50% रैंकिंग इंप्रूवमेंट मिलेगा और 3 से 6 महीने में आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या लीड मिलना चालू हो जाएगा हमारी सर्विस से।
एंड जैसे मैंने शुरू में बताया कि मैंने 500 प्लस वेबसाइट को ऑप्टिमाइज की है मेरे करियर में, ये मैंने पोर्टफोलियो के तौर पर यहाँ पर वेबसाइट रखी हुई है जिसका मैंने काम किया है, जैसे शाउट एंड हाइक है, जेन अलग पलग है जिस पर मैंने मेरे 7 साल स्पेंड किए हैं, जेन वो है ट्रेनिंग इन एसईओ है, ये सारे रैंकिंग है इसके, राइट। एलिवेट स्टाइल्स है, ये सारी वेबसाइट्स है जिसके ऊपर हमने काम किया है, और ये सभी कीवर्ड्स के लिए, ये कीवर्ड है, ये वेबसाइट है और ये उसके रैंकिंग है, ये सभी वेबसाइट के लिए वो लोग टॉप पर है, राइट। तो ये हम लोग इसकी सर्विस भी देते हैं, करेक्ट, ओके। तो अभी हम 10-15 मिनट का ब्रेक, 10 मिनट का शार्प ब्रेक लेते हैं, और उसके बाद आप लोग डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग में कौन कौन सी चीज सीखोगे, लर्न करोगे, वो हम एक के बाद एक देखेंगे। पूरे के पूरे 30 लेक्चर्स मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा कि ऑल द 30 लेक्चर्स, इन ऑल द 30 लेक्चर्स व्हाट यू विल लर्न, ओके ओके। ओके तो हमारा सबसे पहला लेक्चर ये रहेगा कि कोई भी डिजिटल मार्केटिंग या एसईओ का क्लाइंट आपके पास आता है या आप किसी भी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, तो सबसे पहले कौन कौन सी चीज आपको पता होनी चाहिए, राइट। आपने कोई पण छोकरी ने जोवा जाइए तो आपने सबसे पहला बायोडेटा लीजिए, जानो हाइट कितनी है, कितलू भणे लीजिए, तो लोग कुंडली मैच थाय छे के नहीं, राइट। तो आ बायोडेटा जे वेबसाइट, right? If you don't have this details, the probability is very high that you are going to go in the right wrong direction, right? वो restaurant होगी मणिनगर में और आप आश्रम रोड पर pamphlet circulate करते होगे, ऐसा होगा फिर, right? Clear? So ये चीज है जो मैं आपको सबसे पहले लेक्चर में फ्री है जिसमें आपको मैं सिखाऊंगा कि कोई भी क्लाइंट आपके लिए आपके पास आता है नया, तो कौन कौन सी डिटेल्स उसके पास से लेनी है जिससे आप उसको प्रपोजल अच्छा दे सको, उसकी स्ट्रेटजी अच्छी बना सको और उसके वेबसाइट में चेंजेस रेकमेंड कर सको, क्लियर। दूसरे लेक्चर में आप लोग ये सीखोगे कि किस तरीके से अगर आपका खुद का बिजनेस है या क्लाइंट का बिजनेस है तो डोमेन नेम कैसे चूज करना है, क्योंकि डोमेन नेम भी ब्रांडिंग में और रैंकिंग में हेल्प करता है, और होस्टिंग में कौन सा प्लान लेना है, विंडोज होस्टिंग लेनी है, लिनक्स लेनी है, विंडोज में कौन सा आपका जो सर्वर लोकेशन है वो कौन सा सिलेक्ट करना है, राइट। ईमेल आईडीज होस्टिंग से कैसे क्रिएट करना है, जैसे ट्रेनिंग इन एसईओ है फॉर एग्जांपल मेरा, तो contact@traininginseo.in सपोज आपको ईमेल आईडी क्रिएट करना है, उसको कैसे क्रिएट करना है और उसको जीमेल के साथ लिंक कैसे करना है, जिससे क्या फायदा होगा, अगर contact@traininginseo.in पर कोई भी ईमेल आता है तो सीधा मेरे जीमेल में वो पैच हो जाएगा, राइट। एसएमटीपी और POP3 सर्वर को सेट करके आप कर सकते हो। ये चीज सिखाऊंगा मैं आपको, आप सीखोगे दूसरे लेक्चर में। तीसरे लेक्चर में आप लोग ये सीखोगे कि जो लोग एसईओ की लाइन में होते हैं उसको सबसे बड़ा फियर फैक्टर होता है कि मेरे रैंकिंग चले तो नहीं जाएंगे ना, जैसे अभी ये भाई ने पूछा, करेक्ट। तो गूगल के जो फाउंडर्स है, राइट, लैरी पेज एंड सर्जी बिन, ये दो जो गूगल के फाउंडर्स है जिन्होंने गैरेज में अपने चालू किया था गूगल को, उन्होंने स्टार्ट करने के बाद शुरू में ही 10 चीजें लिखी है जो लोग, जो 10 चीजों को वो लोग ट्रू करना चाहते हैं या उसको पॉसिबल करना चाहते हैं। 10 things दे वुड लाइक टू मेक हैपन, राइट। वो चीज मैं आपको सिखाऊंगा कि वो चीज को किस तरीके से आप आपकी स्ट्रेटजी में इंप्लीमेंट करके आपके रैंकिंग कभी भी हिले नहीं, उस तरीके से आप वो काम कर सकते हो। वो एक्चुअली गूगल अपने बंदे को, अपने एम्प्लॉय को सिखाता है, लेकिन वो चीज मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि गूगल जो भी चेंजेस करता है एल्गोरिदम, वो उसके इनलाइन ही करता है,
वो जो 10 प्रिंसिपल्स हैं उनके, उसके इनलाइन ही करता है। तो वो चीज अगर आपने हमेशा आपकी स्ट्रेटजी में टेक केयर की, तो आपके रैंकिंग कम होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे, राइट। जैसे आपने एवं किए कि भाई हूँ तने एवं त्रण वस्तु कही तेने फॉलो करिए पकड़ते नहीं, राइट। तो त्रण वस्तु कही है, हेलमेट, पीयूसी, અને તમે ટ્રાફિક નું પેલી સિગ્નલ ક્રોસ ના કરો ને લાયસન્સ, બસ તો આ ચાર વસ્તુ છે, તો એ એસઈઓ માં કઈ ચાર વસ્તુ છે તમને શીખવાડી, ક્લિયર। આ ચાર વસ્તુ તમે ટેક કેર કરો તો તમને નોર્મલી કોઈ હેરાન ના કરે, કરેક્ટ। ઉસકે બાદ હૈ કી એસઈઓ, તો એસઈઓ મેં સબસે પહેલે રહેગા કીવર્ડ રિસર્ચ। સો કીવર્ડ રિસર્ચ ક્યા હૈ બેઝિકલી, રાઈટ। સો કીવર્ડ રિસર્ચ યે હૈ, कीवर्ड रिसर्च का टूल गूगल देता है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे आप ये पता कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट के लिए, सॉरी आपके कीवर्ड्स के लिए कितने लोग एक मंथ में सर्च कर रहे हैं। अभी ये इसने इसका यूआई चेंज कर दिया है, राइट। यहां से आपको सबसे पहले लिखना है, सपोज मुझे लिखना है, आप कोई भी कीवर्ड बता सकते हो मुझे अगर आपके दिमाग में हो तो। अहमदाबाद, राइट। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, यहां से गेट आइडियाज, मुझे दूसरे लॉगिन से सर्च करना पड़ेगा। हुआ है तब तक हम दूसरे टॉपिक पर चले जाते हैं। ओके, उसके बाद है पेज ऑन पेज। सो व्हाट इज पेज ऑन पेज, तो जब आप कोई भी चीज के लिए सर्च करते हो, सपोज मैंने यहां पर सर्च किया एसी सर्विस, राइट। तो ये जो आपको सबसे पहला दिखा, ये
ये जो है ये आपका टाइटल है, ये टाइटल सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आपको आपकी वेबसाइट को रैंकिंग में लाना है। अगर आपकी वेबसाइट आज कहीं पर भी नहीं है और अगर आपको टॉप 50 में लाना है 50, तो ये तुरंत ही आ जाएगी अगर आप ये टाइटल में चेंज करोगे, क्योंकि गूगल के एल्गोरिदम में इसको गूगल सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देता है, राइट। ये टाइटल क्या है, ये टाइटल जब आप वेबसाइट को ओपन करोगे, जैसे ये वेबसाइट है, आपको इसको ओपन करोगे और यहाँ पर आप टाइटल लिखोगे तो आपको यहां से मिल जाएगा ये टाइटल, और दिखेगा कहां पर, यहां पर दिखेगा, राइट। इसको मेटा टाइटल भी टेक्निकल टर्म्स में एक्सप्लेन बोलते हैं। तो ये जो मेटा टाइटल है ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है अगर आपको गूगल में रैंकिंग में टॉप में आना है। तो दूसरी जो चीज है वो है आपका यूआरएल। तो आपके यूआरएल में भी अगर जो बंदे ने सर्च किया है एसी सर्विस इन अहमदाबाद, तो एसी रिपेयर सर्विस आ गया, एसी सर्विस रिपेयर इन अहमदाबाद आ गया, तो ये दोनों जगह पर उन्होंने ये कीवर्ड को ऐड किया हुआ है, तो गूगल इसको ज्यादा प्रायोरिटी देता है। तो तीसरी जगह है वो है डिस्क्रिप्शन, लिखा है एसी सर्विस इन अहमदाबाद, एसी रिपेयर एंड सर्विस लिखा है। तो ये तीन जगह ऐसी है कि अगर आप ये तीन जगह आपकी वेबसाइट के लिए टेक केयर कर लेते हो तो द प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई दैट यू विल गेट वेरी फास्ट इंप्रूवमेंट। मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि पहले पेज पर आ जाओगे, लेकिन आप जहां पर भी हो वहां से कंफर्म अगर आप 100 प्लेस पर हो तो आप 50 प्लेस पर पहुंच जाओगे। ना टेक्निकल टर्म इसमें कुछ भी नहीं, कुछ भी, ये सारी कैसी चीज है यार कि अगर मैं 10th स्टैंडर्ड वाले बंदे लड़के को सिखाऊं कि ये टाइटल इसको कहते हैं, तो वो टाइटल तो इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ऑल कुछ कोई भी, मैं खुद नॉन टेक्निकल फील्ड से आया हूँ, राइट। मैंने एमएससी विद मैथ्स किया है जिसका इससे कोई लेना देना नहीं, राइट। तो ये उसका इससे कोई लेना देना नहीं, राइट। सो राइट, सो ये आप कर सकते हो, करेक्ट। तो ये पेज ऑन पेज है, ये हुआ डिस्क्रिप्शन। तो ये आपको कहां पर मिलेगा, बहुत सिंपल चीज है, द पॉइंट इज दैट जावास्क्रिप्ट वगैरह कुछ सीखने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे ये है तो इसका टाइटल आपको यहां से मिल जाएगा, मिल गया टॉप 100 एसी सर्विस रिपेयर इन, जहां पर मेरा कर्सर है उसके नीचे देखो आप, क्लियर। सेम चीज आपको उसके बैकएंड में भी दिखेगी, जब मैं व्यू सोर्स करूंगा, कंट्रोल यू अगर आप करते हो तो व्यू सोर्स ओपन होता है, सोर्स ऑफ द पेज, राइट। तो वहां से आपको मिल जाएगा कि उसका टाइटल क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, राइट। ये आप चेंज करोगे तो सीधा आपको इसका इफेक्ट मिलेगा। वो कैसे करना है आपके कीवर्ड के लिए देख लेते हैं, वो टूल अभी डाउनलोड हो गया है, हम देख लेते हैं कि कितने लोग सर्च करते हैं। टारगेट करते नहीं, सर्च करते हैं। एसी सर्विस छे, समझो सर्विस એટલે લીધા પછીનો ફેઝ છે। એન્ડ યુઝર હો ગયા, સમજો કે કોણ સે મંથ મે ઇસકી સબસે જ્યાદા ડિમાન્ડ રહેતી હૈ, ઓક્ટોબર જનવરી ઓર અભી મે, મે મે ઇસકી ઓફ કોર્સ ઇસકી સબસે જ્યાદા ડિમાન્ડ રહેતી હૈ, ક્યોંકિ એસી લોગ સ્ટાર્ટ કરને કા સોચતે હૈ તો ઉસસે પહેલે સર્વિસ કરવાને કા સોચ લેતે હૈ। तो हमने हमनू मार्केटिंग ए भाई एसी नी सर्विस आवे, तो अगर इनको इसका मार्केटिंग करना है तो मार्केटिंग का बजट कौन कौन से मंथ में बढ़ाना है वो यहां से पता लग जाएगा कि भाई इन दिस 4 months ही शुड इंक्रीज हिज बजट प्रोपोर्शनली एज पर द डिमांड। और एक चीज देखते हैं हम लोग, कौन सी चीज से लोग ये इसको ढूंढते हैं, मोबाइल डिवाइस से 84% लोग एसी सर्विस के लिए मोबाइल डिवाइस से ढूंढते हैं। अभी आप सोचो कि मेरी जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव नहीं है, राइट। रिस्पॉन्सिव मानी सभी डिवाइस में वो प्रॉपरली दिखनी चाहिए, इट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिव इन अ लेमन लैंग्वेज। तो अगर उनकी रिस्पॉन्सिव नहीं है तो वो कितने परसेंटेज को लॉस कर देंगे, 84% को लॉस कर देंगे, राइट। अब मैंने अभी आपको नहीं बताया कि मोबाइल इज द फ्यूचर, मोबाइल से बहुत लोग इंटरेक्ट करते हैं, कंप्यूटर से सिर्फ 14.8% लोग जुड़ते हैं, राइट। और अभी गूगल ने नया एड चालू किया है, कॉल ओनली एड,
कॉल ओनली एड, यानी आपको सिर्फ आपकी वेबसाइट नहीं है तो भी आप एड कर सकते हो. यू जस्ट हैव टू गिव योर नंबर एंड व्हेन यूजर विल क्लिक ऑन टू योर नंबर यू हैव टू पे सम अमाउंट टू द गूगल. हाँ, एंड नंबर टू इज ब्रेक डाउन बाई लोकेशन. तो वो प्रॉबेबली नहीं मिलेगा क्योंकि लोकेशन में हमने अहमदाबाद डाला हुआ है, इसलिए सिटी तक ही वो करके देता है, उससे नीचे का सेगमेंटेशन नहीं देता. सो वी विल नॉट बी एबल टू गेट दैट, राइट. लेकिन अगर इंडिया के लेवल पर हमने इसको एनालाइज किया है तो वो कर सकते हैं. अगर इनको ये पता करना है कि अहमदाबाद नहीं पची बीजी ब्रांच हूँ क्या खोलू, वडोदरा में खोलू के भावनगर खोलू के जूना जामनगर खोलू, तो ये यहाँ की खबर पड़ी है, राइट. छे इसकी डिमांड उसके बाद. लेकिन अहमदाबाद लिखा है तो दिस इज स्टिल नॉट कन्विंसिंग, हमको अहमदाबाद निकाल देना पड़ेगा. ना ना, सिर्फ एसी सर्विस ही, सिर्फ एसी सर्विस, कारण के सूरत नो माणस एसी सर्विस इन मणिनगर थी बहुत ओछू, अहमदाबाद थी बहुत ओछू सर्च करे. बीजी सौथी वधारे डिमांड वडोदरा में, એનું રીઝન કહું, વડોદરામાં આપણા જેવી જ ગરમી પડે છે, સુરતમાં કમ્પેરેટિવલી ઓછી હોય ગરમી, રાઈટ, ડ્યુ ટુ ધ સી, રાઈટ. તો અગર ઉનકો અપની નેક્સ્ટ બ્રાન્ચ ઓપન કરની હૈ, રાઈટ, યા ઉસકો ફ્રેન્ચાઇઝી કિસી કો દેની હૈ, તો વો અચ્છી વેબસાઇટ બનાકર વડોદરા મેં દે સકતે હૈ, રાઈટ. સો ઓલ ધીસ ડેટા યુ કેન ઇઝીલી ગેટ વિથ ધીસ ટૂલ. તો વો આપકો આપકે બિઝનેસ કે લિયે કિસ તરીકે સે યુઝ કરના હૈ વો મેં આપકો દિખાઉંગા સેકન્ડ લેક્ચર મેં, थर्ड लेक्चर में. उसके बाद है एडवांस सर्च. एडवांस सर्च मानी जो चीज को आपको ढूंढने में गूगल पर एक से डेढ़ घंटा लगता है, वही चीज अगर आपको एडवांस सर्च पता है तो आप 5 मिनट में कर सकते हैं. ना सपोज मुझे ये पता करना है, समझ लो कि मैं लास्ट ईयर में हूं सपोज, और मुझे मेरा प्रोजेक्ट सबमिट करवाना है और मुझे देखना है कि भाई कौन 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 से लोगों ने सबमिट करवाया है, या प्रपोजल आप सोच लो, चलो वेबसाइट डिजाइन का प्रपोजल लोग कैसे भेजता है वो मुझे देखना है, सैंपल वेब डिजाइन प्रपोजल, राइट. और यहां से मैं सर्च करूंगा, और सर्च करने के बाद सेटिंग, सेटिंग में एडवांस सर्च, और ज्यादातर वेब डिजाइन का प्रपोजल कौन से फॉर्मेट में रहेंगे, पीडीएफ में रहेंगे. एडवांस सर्च मिल गए मुझे, कितने प्रपोजल मिल गए, राइट, इतने सारे प्रपोजल, आप एक के बाद एक सभी को ओपन करके देख सकते हो, और आपको जो अच्छा लगे वो आप में ऐड कर सकते हो. मैन्युअली मीन्स તમે ટાઈપ કરો ને તો આ શોધવામાં બહુ વાર લાગે. મેં પહેલા તો કીધું જે વસ્તુ તમે 3 કલાકમાં કરશો એ આમાં 5 મિનિટમાં કરશો. ના ના, એટલે તમારે લિંક શોધવી પડશે ને, તમને થોડી ખબર હશે, એને થોડી ઓપન મૂકી હશે, સમજો, એને ઓપન થોડી મૂકી હશે કે ભાઈ લે અમારી લિંક છે, કારણ કે એને ખબર હોય કે મારો ટાર્ગેટેડ ઓડિયન્સ જોઈ જશે, સોરી મારો કોમ્પિટિટર જોઈ જશે, તો ઇટ વિલ બી અ ઇશ્યુ ફોર મી, કારણ કે કોઈ પોતાનું પ્રપોઝલ તો ના જ બતાવે ને, રાઈટ. સપોઝ મારે એવું જોવું છે કે ઇન્ડીડ ઉપર મણિનગરમાં કેટલા જણા જોબ મૂકે છે, આમ તો ઇન્ડીડ પોતે જ આપે છે, રાઈટ. તો રાઈટ, યહાં સે ભી આપ ઢૂંઢ સકતે હો સાઇટ કોલન, રાઈટ. ઇસસે ક્યા હોગા, ઇસસે હમ ગૂગલ કો યે ઇન્સ્ટ્રક્શન દે રહે હૈ કે આપકો મુજે ઇસી સાઇટ મે સે રિઝલ્ટ દેના હૈ, રાઈટ. આઈ વોન્ટ રિઝલ્ટ ફ્રોમ ધીસ વેબસાઇટ ઓનલી, રાઈટ. ઓર મુજે રહેતા હૈ મણિનગર, એસઈઓ, राइट. तो अभी मुझे ऐसी जॉब मिलेगी जिसमें सभी रिजल्ट इंडीड में से है,
मणिनगर नहीं है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन आपको यहाँ से इंडीड के रिजल्ट मिल जाएंगे, राइट। ये सब टेक्निक है, तो आपको अलग अलग टेक्निक को इस्तेमाल करके आप आपका काम बहुत ही आसान कर सकते हो, बहुत ही आसान, राइट। सो ये आपको मैं सिखाऊंगा, ऐसी 10 से 12 टेक्निक है वो मैं आपको सिखाऊंगा एडवांस सर्च में। उसके बाद है टूल्स एंड इट्स यूजेस, यानी बहुत सारे टूल्स फ्री में अवेलेबल है जिसको आप इस्तेमाल करके आपका काम बहुत ही आसान कर सकते हो, राइट। जैसे कि मुझे अगर कोई मेल गुजराती में ड्राफ्ट करना है, राइट, तो आई कैन ड्राफ्ट इट वेरी इजीली विद द हेल्प ऑफ गूगल इनपुट मेथड, राइट। हूँ डिजिटल मार्केटिंग नो ट्रेनर छू, राइट, करेक्ट। तो ऑल दिस थिंग्स यू कैन डू इन योर लैंग्वेज, करेक्ट। और सपोज ऑसम स्क्रीनशॉट है एक चीज की, भाई मुझे ये वेबसाइट में कोई चेंजेस देना है, तो भी आप यहां से इसको सजेस्ट करके कैप्चर, देन यू कैन राइट योर ओन व्हाट आर द चेंजेस यू वुड लाइक टू मेक। सपोज प्लीज चेंज फुटर कलर, राइट, एंड डन, कॉपी, एंड देन सिंपली कंपोज द ईमेल एंड कंट्रोल वी, राइट। तो आप सीधा यहां पर, सो ऑल दिस, ऐसे हम लोग आपको 50 से ज्यादा टूल सिखाएंगे, राइट, जो एसईओ ट्रेनिंग में आपको पता लगेगा। इससे बेसिकली आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। साइट ऑन पेज, तो आपका पेज का लोड टाइम कैसे कम करना है, राइट। पेज लोडिंग टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एसईओ, राइट। आपका पेज लोड टाइम अगर ज्यादा है तो गूगल कभी भी आपको रैंकिंग में प्रायोरिटी नहीं देगा। पेज लोड टाइम क्या है बेसिकली, कि जब आप कोई भी वेबसाइट को ब्राउजर में ओपन करते हो तो वो कितने टाइम में ओपन हो जाती है। लेस द टाइम, हायर द कन्वर्जन रेट, राइट। वॉलमार्ट ने एक एनालाइज किया था, वॉलमार्ट पता होगा आप सब लोगों को, कि उसने अपना पेज लोडिंग टाइम 3 सेकंड से 2.5 सेकंड कर दिया, उसका कन्वर्जन रेट 20% बढ़ गया। 20% यानी बहुत बड़ी अमाउंट है, वॉलमार्ट के लिए बहुत बड़ी अमाउंट, दिस इज द इम्पैक्ट। तो वो कैसे चेक करना है, राइट। जैसे कि ये एक टूल है, पेज स्पीड टूल, राइट। यहां से जाकर आप चेक कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट का स्कोर क्या है, राइट। फ्रॉम हियर यू कैन चेक इट वेरी इजीली। हम लोग टॉप पर है उसके रीजन, उसका एक रीजन ये भी है कि हमारी वेबसाइट का पेज लोडिंग टाइम, राइट, आज ही हमने एक्चुअली इसको गोडेडी पर ट्रांसफर किया है फ्रॉम द अनदर होस्टिंग प्रोवाइडर, इसलिए मेरा ये 61 है, वरना ये मेरा एक्चुअली 80 से ज्यादा था। हम शाउट एंड हाइक का देख लेते हैं, राइट। डेस्कटॉप का 95 है और इसका 71। ये अभी हमने एएमपी बनाना चालू कर दिया है, तो ये भी बहुत अच्छा हो जाएगा, राइट, क्लियर। सो दिस थिंग्स आई एम गोइंग टू टीच यू इन द फिफ्थ लेक्चर, और यू आर गोइंग टू लर्न इन द फिफ्थ लेक्चर। उसके बाद आएगा लिंक बिल्डिंग, राइट, जो बहुत फेमस पार्ट है और सब एसईओ वाले स्टार्ट उसी से ही करते हैं। तो लिंक बिल्डिंग बेसिकली क्या है, कि गूगल एवरी रिलेवेंट लिंक को एक क्रेडिट की तरह कंसिडर करता है, राइट। लेट मी एक्सप्लेन यू इन द लेमन लैंग्वेज, कि सपोज आपको किसी ने यह बताया, आपकी पहचान वाले किसी ने यह बताया कि अगर आपको एसईओ या डिजिटल मार्केटिंग सीखना है तो यहाँ से आपको कन्फर्म अच्छा सीखने को मिलेगा, तो वो मेरे लिए एक रेफरेंस हो गया, रेफरल हो गया, जिससे आपके दिमाग में मेरे लिए या मेरे इंस्टीट्यूट के लिए
ट्रस्ट फैक्टर एकदम शूट हो जाएगा, हाई हो जाएगा, वेरी सिंपल। उसी तरीके से जब आपकी लिंक कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट से आपकी वेबसाइट पर आती है एंकर टेक्स्ट बनाकर, वो टेक्निकल टर्म है थोड़ा, लेकिन उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, वो एक लिंक बनाई हुई है, वो लिंक अगर आपकी वेबसाइट पर आती है तो गूगल उसको क्रेडिट की तौर पर कंसिडर करता है, एंड मोर द लिंक हायर द क्रेडिट हायर द रैंकिंग। क्लियर? तो ये कैसे बनानी है वो मैं आपको सिखाऊंगा या आप लोग सीखोगे। उसके बाद है कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। सो व्हाट इज कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन? कि अगर अभी आपकी वेबसाइट पर 100 विजिटर्स में से एक विजिटर्स अगर आपको लीड दे रहे हैं तो आपका कन्वर्जन रेट कितना हुआ? 1%। अगर मैं उसमें आपको स्मार्ट चेंजेस दिखाऊं कि इफ यू विल मेक दिस 5 चेंजेस योर कन्वर्जन रेट विल शूट फ्रॉम 1% टू 3% 4% और मोर देन दैट, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि आपका बिजनेस मैंने 3 to 4 times बढ़ा दिया, क्योंकि नंबर ऑफ लीड्स विल गेट इंक्रीज बाय 3 to 4 times, वेरी सिंपल, राइट? तो वो कैसे चेंजेस है वो मैं आपको सिखाऊंगा कन्वर्जन, वो आप सीखोगे कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन। मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देता हूं कि जब मैंने ये वेबसाइट को 1.5 साल पहले ओपन की तो होम पेज पर ये रिक्वेस्ट अ फ्री डेमो लेक्चर वाला ये हेडर में ये नहीं था और ये चीज नहीं थी, ये दोनों चीज नहीं थी पहले 3 महीने, तो मेरा कन्वर्जन रेट था सिर्फ 2% लीड रेट, सॉरी, यानी 100 में से 2 लोग मुझे कांटेक्ट करते थे ट्रेनिंग में डेमो लेने के लिए या ट्रेनिंग लेने के लिए। जैसे ही मैंने ये फॉर्म ऐड किया मेरा हो गया 6%, क्योंकि फ्री वर्ड हमेशा लोगों को एनकरेज करता है, राइट? वेदर इट इज जियो, वेदर इट इज ओला, वेदर इट इज उबर और वेदर इट इज एनीथिंग, फ्री ऑलवेज एनकरेज यू टू कॉन्टेक्ट दैट पर्सन, राइट? तो ये चीज से मेरा कन्वर्जन रेट 6%। तो ये तो एक चेंजेस है मैंने जो आपको बताया, ऐसे मेरे पास 50 से ज्यादा चेंजेस है मैंने ये स्ट्रेटजी में लिखे हुए, कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन की हमारी स्ट्रेटजी है। ये हमने सारे पॉइंट यहां पर बनाकर रख दिए हैं, ये इतने सारे पॉइंट्स है जिससे हम आपकी वेबसाइट को, आपको ट्रेनिंग ले रहे हो तो ट्रेनिंग में आपको सिखाएंगे और अगर सर्विस दे रहे हो तो सर्विस में इंप्लीमेंट करके देंगे, सिंपल, राइट? तो ये सारे पॉइंट अगर आपकी वेबसाइट पर आपने इंप्लीमेंट कर दिए जो भी मेक सेंस करता है आपको, वो सभी नहीं करना है, तो आपका कन्वर्जन रेट कन्फर्म बढ़ जाएगा। उसके बाद है आप इलाज एवं जगह भी तब इंटरव्यू आपवा जता उनको एवं क्या तू आ त्राण वस्तु क्या जाता तू सिलेक्ट थे जाइस आया ना जी आईएमपी है, राइट? उसके बाद है लोकल बिजनेस। सो लोकल बिजनेस में कैसे सबमिशन करना है, कैसे टॉप में आना है, कैसे रिव्यूज इकट्ठे करने हैं, राइट? कैसे आपकी अलग अलग जगह पर प्रोफाइल बनानी है, लोकल जस्ट डायल है, सुलेखा है, इंडिया मार्ट है, ट्रेड इंडिया है, उसमें किस तरीके से आपकी प्रोफाइल बनानी है वो हम आपको इसमें सिखाएंगे। गूगल एनालिटिक्स अनदर माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो गूगल एनालिटिक्स में हम आपको ये सिखाएंगे कि एनालिटिक्स का पर्पस क्या है, एनालिटिक्स को किस तरीके से एनालाइज करना है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये पता करना है कि मेरी वेबसाइट पर लास्ट 3 महीने में कौन से डे में मुझे सबसे ज्यादा लीड मिली है और कौन से टाइम पर सबसे ज्यादा लीड मिली है, तो दैट आई कैन विद द हेल्प ऑफ गूगल एनालिटिक्स। सपोज लास्ट 3 months apply, then acquisition campaign, sorry
एडवर्ड्स आवर ऑफ द डे, यहां से आपको मिल जाएगा कि लास्ट जीरो मानी रात के 12 बजे लास्ट 3 मंथ्स में मेरी वेबसाइट पर सबसे ज्यादा कौन से टाइम पर लोगों ने इंटरेक्ट किया है। सबसे ज्यादा शाम के 4 बजे इंटरेक्शन होता है, राइट? 16 मानी, सॉरी 10 बजे, सुबह के 10 बजे, दैट इज नंबर 1। नंबर 2 11 बजे, सॉरी 1 बजे, 2 बजे, फिर शाम के 6 बजे, 7 बजे और 8 बजे और रात के 10 बजे। मुझे क्या करना चाहिए, ये टाइम पर मेरा बजट बढ़ जाए, ऐसे ऐसा सेटिंग करना चाहिए, वो आप कर सकते हो, राइट? दैट यू कैन डू। उसके बाद है कौन सा दिन में मुझे सबसे ज्यादा लीड मिलती है। अगेन 0 स्टैंड फॉर प्रोबेबली संडे। संडे मंडे को लोग ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं संडे से ज्यादा, ट्यूजडे को, वेनसडे को और फ्राइडे को। तो मुझे संडे को मेरा बजट कम कर देना चाहिए, राइट? क्योंकि संडे को लोग देखते हैं लेकिन कॉन्टेक्ट नहीं करते हैं, करेक्ट? तो आई कैन स्टॉप शोइंग माई एड्स ऑन संडे एंड सैटरडे, सैटरडे एंड संडे, राइट? सो अगर आप ये सारी चीज करोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, फायदा ये होगा कि आप उसी जगह पर आपका बजट स्पेंड करोगे जहां पर आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, तो ग्रेजुअली आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, क्लियर? तो ये तो एक रिपोर्ट है, ऐसे 50 रिपोर्ट है जो मैं एक के बाद एक आपको सिखाऊंगा। ये एक ही रिपोर्ट है, ऐसे 50 रिपोर्ट है इसमें, ऑडियंस के है, एक्विजिशन के है, बिहेवियर के है और कन्वर्जन के है, राइट? तो ऐसे 50 रिपोर्ट मैं आपको ट्रेनिंग के दौरान सिखाऊंगा। उसके बाद है पेड प्रमोशन। सो पेड प्रमोशन किस तरीके से करना है, राइट? कैसे आरओआई को कैलकुलेट करके पेड प्रमोशन करना है, राइट? मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि अभी हम एक क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट कर रहे हैं, आपको पता होगा बिटकॉइन इज वन ऑफ द क्रिप्टो करेंसी, जो दिन के जिसका बजट 4000 USD है, राइट? उसका एक दिन का बजट 4000 USD, यानी कितना हुआ, 6×24 2.5 लाख रुपया, 24 लाख रुपया, जो ना मारे गाली 24 का, तो 2.5 लाख रुपया उसका इतना बजट, और वो दिन के मिनिमम 15000 USD का क्रिप्टो करेंसी बेच देता है मिनिमम। तो आरओआई कैसे कैलकुलेट करना है, सपोज मैं प्रोजेक्टर बेच रहा हूं, वेरी सिंपल, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 15000 रुपीज, राइट? सपोज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 10000 रुपीज और सेलिंग प्राइस है 15000 रुपीज, तो एक प्रोजेक्टर अगर मैं बेचता हूं तो मुझे कितना फायदा होगा, 5000, वेरी वेरी सिंपल। सपोज ऐसा मेरा पास्ट स्टैटिस्टिक्स है कि 100 लोग अगर अमेजोन पर मेरी ये प्रोडक्ट को देखते हैं तो उसमें से 3 बंदे ये प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, ये मेरा पास्ट स्टैटिस्टिक्स है, कन्वर्जन रेट है 3% मेरा कन्वर्जन रेट है। तो अगर 100 लोग ये प्रोजेक्टर को देखेंगे तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा, वेरी गुड, 15000। तो मुझे एक क्लिक पर अमेजोन को मैक्सिमम कितना कमीशन देना चाहिए, 100 क्लिक पर 15000, तो एक क्लिक पर कितना, राइट? फिफ्थ स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, 15000, 150। अगर मैं 150 से ज्यादा अमेजोन को कमीशन दूंगा तो मेरा आरओआई कैसे चला जाएगा, नेगेटिव चला जाएगा। और 150 से जितने कम में मैं उसको कमीशन डील किया उतना मेरा आरओआई बढ़ेगा, राइट? तो ये आपको आपके क्लाइंट के लिए पीपीसी शुरू करने से पहले करना, चालू हो जाए उसके बाद नहीं करना, राइट? क्लियर? तो इससे आपका आरओआई बढ़ जाएगा। तो किस तरीके से ये करना है, गूगल की एग्जाम किस तरीके से पास करनी है, वो सारी चीज मैं आपको इसमें सिखाऊंगा। ईमेल मार्केटिंग। सो ईमेल मार्केटिंग में ईमेल को कैसे लिखना है, ईमेल की सब्जेक्ट लाइन में क्या लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ईमेल मार्केटिंग में ईमेल की सब्जेक्ट लाइन में अगर आप सामने वाले का नाम लिखोगे तो ओपन रेट हाई हो जाएगा, राइट? अगर मुझे कोई ईमेल आया उसमें चिराग लिखा है सब्जेक्ट लाइन में, चिराग दिस इज फॉर यू, तो आई विल डेफिनेटली ओपन दैट ईमेल,
तो वो कैसे आपको आपका ओपन रेट बढ़ाना है? वो मेलचीम है और सेंडग्रिड है, वो कई सारे ऑटोमेटेड टूल्स आते हैं, उससे आप कर सकते हैं, राइट? तो ये सारी चीज आपको मैं ईमेल मार्केटिंग में सिखाऊंगा। उसके बाद है एफिलिएट मार्केटिंग। अगर आपको लिखने का शौक है और अगर आप पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हो तो आप लिख के विजिटर जनरेट करके उस पर एड रख के भी जनरेट कर सकते हो। वो कैसे करोगे वो मैं सिखाऊंगा एफिलिएट मार्केटिंग। मोबाइल मार्केटिंग, तो मोबाइल में आपकी वेबसाइट कैसी होनी चाहिए, राइट? एएमपी पेजेस कैसे बनाने हैं, एएमपी मानी एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस, जो नया कॉन्सेप्ट है, वो कैसे बनानी है, मोबाइल में किस तरीके से कन्वर्जन रेट आप बढ़ा सकते हो, वो सारी चीज मैं सिखाऊंगा मोबाइल मार्केटिंग में, या आप सीखोगे मोबाइल मार्केटिंग में। सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि भाई मैंने 2000 रुपीज में 200 लीड जनरेट कर दी थी, राइट? तो वो कैसे जनरेट की थी वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये फेसबुक से मैंने जनरेट की थी क्योंकि मेरा B2C टारगेटेड ऑडियंस है, समझो। अगर मेरा B2B होता तो आई हैव टू डू द सेम थिंग इन लिंक्डइन। सिर्फ फेसबुक, ओनली फेसबुक। जो सपोर्ट था वो हमारी एड थी और पंचलाइन थी, वो पंचलाइन में आपको दिखा रहा हूँ। यू कैन गो, ये मेरा कैंपेन है जो मैंने लास्ट चलाया था। यस, ये चलाया था मैंने। ये था, ये रहा, राइट? ये मुझे कितने में, नहीं ये नहीं है अभी, डिजिटल मार्केटिंग ये रहा। कितने में मुझे कितनी लीड मिली है वो हम लोग देख लेते हैं। कितनी लीड मिली है, लीड फॉर्म है ये 219, और एवरेज कॉस्ट कितनी है एक लीड की, कॉस्ट पर रिजल्ट 6.8, राइट? तो ये कैसे हमने जनरेट किया था वो मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम झलक देता हूं उसकी। नॉर्मली क्या होता है कि ये हमारी एड है जो हमने, जिससे हमने ये इतना सारा जनरेट किया था, राइट? इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है, कोई बताएगा मुझे क्यों इसमें मुझे इतना सारा इंट्रैक्शन मिला? फ्री लेक्चर, दैट इज नंबर वन। नंबर टू, जैसे मैंने बताया, फ्री ऑलवेज वर्क। मैंने एंड रिजल्ट शुरू में ही लिख दिया है, एंड रिजल्ट। अगर आप शार्पली देखोगे ना, कोई भी एड देखोगे, राइट? जैसे एक ल्यूमिनस सचिन तेंदुलकर की एड आती है, तो वो मैसेज क्या डिलीवर करता है? वो मैसेज ये डिलीवर करता है हैप्पीनेस, कि भाई आप, आपकी हैप्पीनेस, अगर ल्यूमिनस बैटरी रखोगे, जनरेटर रखोगे आपके घर पर, तो यू कैन इंक्रीज योर हैप्पीनेस, राइट? नॉर्मली सभी आदमी को 3 या 4 चीज ही ऑब्जेक्टिव रहता है। इन नटशेल, नंबर 1 इज मनी, नंबर 2 इज हैप्पीनेस, नंबर 3 इज कंफर्ट, एंड नंबर 4th इज, ये तीन ही नॉर्मली रहती है, हैप्पीनेस, मनी एंड कंफर्ट। तो अगर ये 3 चीज आपने आपकी एड में शुरू में लिख दिया तो वो कंफर्म हमेशा वर्क करेगी, और हमने वही किया है। हमारे केस में जो टच वाली चीज थी वो मनी थी, तो हमने मनी को कर दिया। अगर रियल एस्टेट का क्लाइंट है तो यू हैव टू गिव देम हैप्पीनेस, क्योंकि कोई भी बंदा जब नया घर लेता है तो उसको
आपका अपना जो लाइफ स्टैंडर्ड है उसको बढ़ाना है, राइट, तो वो लिखना है। उसके बाद में फ्री वर्ड, राइट, उसके बाद में 2000 रुपीस का लेक्चर, एंड लास्ट में अर्जेंसी क्रिएट करवाई हमने, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, राइट। सो ऑल दिस थिंग्स हैज हेल्प्ड अस टू जनरेट द लीड ओनली इन 6.50 रुपीस, जो मफतनी भावनी कहवाया हमने, राइट, फ्री मच कहवाया, राइट। सो ये आपके बिजनेस के लिए आपको किस तरीके से करना है ये हम आपको सिखाएंगे या हम आपको करके देंगे। आपने जो सेट किया है उस तरीके से, मैं प्रोबेबली मैंने 10 दिन रन की थी, 10 दिन। और अगर पूछो आपको ये संडे को लेना है इवेंट, आपको 10 दिन पहले से बुकिंग करना है। हाँ, क्योंकि जितना टाइम पूरा नहीं होगी ना उसका कन्वर्जन रेट कम होता जाएगा। दैट इज इट। वर्क मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डिजिटल मार्केटिंग में, कि आपको आपका काम मैनेज किस तरीके से करना है। तो ये आसान करने के लिए मैंने क्या डेवलप किया है, मैंने एक ऐसी चीज डेवलप की है कि जिससे आप आपका काम बहुत ही आसान तरीके से मैनेज कर सकते हो। ये मैंने एक मंथली स्ट्रेटजी बनाई है कि आपको कोई भी क्लाइंट नया आता है तो क्या करना है, सबसे पहले गोल नक्की करना है, क्लाइंट के साथ रिव्यू मीटिंग तय करनी है, बिजनेस मॉडल एंड ऑल अदर थिंग्स, ये एक तो डिसाइड करना है सबसे पहले। उसके बाद उसके रिस्पॉन्सिबल कौन होने वाला है वो लिख देना है। उसके बाद वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं, वो पहले वीक में क्या काम करना है, दूसरे वीक में, तीसरे वीक में, चौथे वीक में, पांचवें वीक में अगर हो तो। इससे क्या हो जाएगा, आपकी टीम पूरा सिंक्रोनाइज वे से काम करेगी। उसको पहले ही दिन से पता होगा कि ये वीक में मुझे ये काम खत्म करना है, राइट। ये भाई है, इन्होंने ये वीक में दो छुट्टियां ली थी तो आज संडे आकर काम कर रहे हैं, राइट, क्योंकि उनको पता है, मैंने नहीं बोला उनको कुछ भी, उनको पता है कि भाई ये काम खत्म करना है तो संडे आना पड़ेगा, राइट, करेक्ट। सो दिस थिंग्स विल मेक योर जॉब वेरी इजी। एवरी टाइम आपको लुक आफ्टर नहीं करना है कि ये किया कि नहीं किया, हुआ कि नहीं हुआ, राइट। दिस शीट विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, और मंथ में एक बार ये शीट को रिव्यू करना है रिजल्ट के साथ, करेक्ट। तो ये चीज मैं आपको सिखाऊंगा। इंटरव्यू देने जब आप जाओ तो आपको किस तरीके से इंटरव्यू देना है, SEO का, वो मैंने यहां पर पब्लिश किया है कि पहले इंटरव्यू देने से पहले क्या करना है, कोई कंपनी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाए तब क्या करना है, इंटरव्यू देते वक्त क्या करना है, और कौन कौन से कॉमन क्वेश्चंस वो लोग आपको पूछेंगे, वो मैंने यहां पर लाकर रख दिया। तो इससे आपकी सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कंफर्म बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि ये मैंने मेरा जो 10 साल का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से ये लिखा है कि भाई लोग नॉर्मली क्या पूछते हैं इंटरव्यू में, राइट। तो ये मैं आपको सिखाऊंगा लास्ट लेक्चर में, राइट। क्लाइंट को आपको रिपोर्ट कैसे भेजना है, वर्क रिपोर्ट का, वो भी मैं आपको इसमें सिखाने वाला हूँ। सपोज आपका कोई SEO का क्लाइंट है सपोज, तो किस तरीके से आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है, उसके बाद रैंकिंग इंप्रूवमेंट कितना हुआ, उसके बाद ट्रैफिक इंप्रूवमेंट कितना हुआ, उसके बाद लीड इंप्रूवमेंट कितना हुआ, तो वो सभी आपको उसका फॉर्मेट रेडीमेड है, तो आपको कॉपी करके पेस्ट करके आपके क्लाइंट के लिए अकॉर्डिंगली भेजना है, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडेस लेक्चर, राइट। आई होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर, थैंक यू, राइट। अभी मैं